जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कहानी जारी है, लेकिन एक पूरा जो ढांचा है औरंगजेब का, उसको आप जरूर पढ़िए और मेरी मानिए तो काफी खान को पढ़िए। उनके टाइम का सबसे ऑथेंटिक राइटर है काफी खान, उसको जरूर पढ़िए। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत रुचि है उस आदमी के बारे में जानने की, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, आप जेल मेहता को पढ़ लीजिए। आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। औरंगजेब बेसिकली अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हैं जो अपने समय को, अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा, 20 साल की उम्र में कहते हैं सर बड़ी चिंता हो रही है, नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे। 20 साल की उम्र में 50 का आदमी अगर ये बात कहे तो समझ में आता है। 20, सबसे पहले आर्थिक स्थिरता का प्रयास करिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रयास करना चाहिए। आप बाहर जाएंगे, किसी से कहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार आपकी कोई मदद करेगा, वो एक बार जो मदद आपकी करने वाला है उससे कुछ ऐसे मदद लीजिए कि दोबारा आपको किसी से कुछ ना मांगना पड़े। कुछ स्किल सीख लीजिए। आज की डेट में हर जेब में मोबाइल है, आज की डेट में हर घर में कंप्यूटर है। बीस साल की उम्र में आप ये मत सोचिए पैसा कहां से आएगा, 20 साल की उम्र में आप ये सोचिए कि आर्थिक स्थिरता कैसे बना ले। अगर 20,000 रुपए महीने की आर्थिक स्थिरता बन रही है, इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर लीजिए। अगर 40,000 रुपए की बन गई है, दिल्ली में रहकर पढ़ लीजिए। 20 साल की उम्र में सबसे पहला विचार यही होना चाहिए कि मेरे पास आय का सोर्स क्या है। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वहां से सोर्स बना लीजिए, कुछ करिए, अपनी परिस्थिति को समझिए। और 22 साल में अगर आर्थिक स्थिति आपकी बनती है तो अगला 8 साल पड़ा है अपने जीवन को संवारने का। रोटी और कपड़ा अगर चुनौती बन जाए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। औरंगजेब से यह सीखना है, अपनी परिस्थिति को समझना है, अपने समय को समझना है, अपनी प्राथमिकता को समझना है। पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है, यही तो काम है शिक्षा का। औरंगजेब पढ़ाकर क्या फायदा होगा? पहला फायदा, विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, मुल्क में किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वभाव को राज्य के नियम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। यही सब तो सीख रहे हो। राजा के लिए ईगो माने नहीं रखता। मारवाड़ का केस, एक इसकी घटना सुनाता हूं। सतनामी विद्रोह 1672, 1672, नारनौल, मथुरा से आगे नारनौल एक जगह पड़ती है, वहां पे एक समुदाय रहता था सतनामी। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सारा नाम यूज करते थे भगवान के लिए, बड़ा सेकुलर संप्रदाय था वो। बाल सेव करते थे, आग की भौ सेव कर लेते थे, पूरा क्लीन सेव रहते थे, भौ वो सब सेव कर लेते थे। अब आप सोच के देखो, किसी आदमी ने अपना भौ सेव कर रखा है, बाल तो सेव ठीक है, बुद्ध के भी बाल सेव है, क्लीन सेव है, लेकिन भौ, ये आईब्रोज, इसको भी सेव कर लिया। अब किसी मुगल सिपाही की सतनामी पे निगाह पड़ी, उसने हंस दिया, हंसी आ गई, तो सतनामी सिपाही ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। अब जब उसने बोला तो मुगल सिपाही ने उठा के एक डंडा मार दिया सर पे। कितनी छोटी सी घटना है, कितनी सामान्य सी घटना है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के एक सिपाही ने किसी को एक तमाचा मार दिया। अब
सीओ क्या करेगा? अब भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग पुलिस के खिलाफ बोलने लगे, सीओ क्या करेगा? सीओ आकर उस सिपाही को रेप्रिमेंड करेगा, पहला काम, डांटेगा, फटकारेगा। पब्लिक नहीं मान रही है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गया मुद्दा, मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन सतनामी का ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर औरंगजेब ने खुद एक्शन लिया। जब सतनामी खड़े हुए मुगलों के विरुद्ध, औरंगजेब खुद सतनामी झंडा लेकर आए थे, उसमें मंत्र अंतर लिखा हुआ था, यह भी झंडा लेकर आया था, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। सम्राट हो तुम, सम्राट हो किसी छोटे मोटे राज्य के नहीं, हिंदुस्तान के। कितना छोटा मामला है, सिपाही का मामला। मतलब जो इसके अगल बगल लोग थे वो मान लिए कि शहंशाह डिस्टर्ब है। दक्कन का मामला, बीजापुर गोलकुंडा, वहां इसके बेटे ने इसको एक राय दी, चालम ने, कि अब्बा हम क्यों लड़े जाके नीचे, हम अपनी ऊर्जा अपना पैसा क्यों बहाएं। औरंगजेब ने कहा फिर, बोले फिर क्या करना, क्या है? हम मराठों को फंड करेंगे, यहां से पैसा भेजेंगे, मराठा लड़ेंगे हमारे लिए, और जब मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तब हम मराठा को खत्म कर देंगे और हमारा दक्कन और दक्षिण भारत पर कब्जा। कितनी बढ़िया राय है, कितनी बढ़िया राय है। बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला वो एक बच्ची की वजह से मिला। निरंजना नदी के किनारे सूखे बैठे हुए हैं, एक बच्ची। सुना बुद्ध ने उसकी बात को, बच्ची की। हसन बसरी बाजार में जा रहे थे, बहुत बड़े संत महात्मा, अल्लाह को ढूंढ रहे थे, अरहत होने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को आलिम समझते थे। एक बच्चा चिराग लिए जा रहा था, उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा ये चिराग आपने जलाया? उसने कहा हां। कहा इसमें रोशनी कहां से आई? उस बच्चे ने कहा एक काम करिए, आप इसको बुझा दिए तो मैं बताऊं। इन्होंने बुझा दिया तो उस बच्चे ने हसन बसरी से कहा कि चाचा ये चिराग आपने बुझाया? इन्होंने कहा हां। बोले बताओ कहां गई? तुम बता दोगे कहां कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। हसन बसरी ने लिखा है कि एक बच्चे ने मुझे औकात याद दिला दी। किसी को सर्वज्ञानी नहीं बनना चाहिए। सतनामी इसका एक कितना बढ़िया राय दिया इसका। उस बेटे को 12 साल जेल में रखा। मारवाड़ और मेवाड़ की जब समस्या चल रही थी, इसका बेटा अकबर, उसने समझाया औरंगजेब को कि अब्बा ये आपके फ्री के शूटर हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने, इनसे काहे लड़ रहे हो। वो अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। अकबर अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। औरंगजेब को छल का सहारा लेना पड़ा, राजपूत के कैंप में फर्जी चिट्ठियां डालनी पड़ी अकबर के नाम पर कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम राजपूतों से जाके मिल गए, तुम इनको हमारे पास ले आए, हम दोनों बाप बेटे मिलकर राजपूतों को मारेंगे। यह आदमी मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह आदमी ईमानदार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यह आदमी धार्मिक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ईमानदारी, धार्मिकता और मेहनत अच्छी है, लेकिन राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए जो चुनौतियों से निपटे, चुनौतियां बढ़ाए नहीं।
इस व्यक्ति ने तो सारी चुनौतियां ही बढ़ा दी। वो चुनौतियां पैदा किसने की? शाहजहां ने। इसने क्या किया? चुनौतियां बढ़ा दी। जाट, जाट विद्रोह 1669, गोकुल, क्या बुरा व्यवहार किया गया उसके और उसके परिवार के साथ। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, भूमिकर का मामला है, नहीं दे रहे हैं, उसको समझाइए, बात करिए, निगोशिएशन करिए, डायलॉग खोलिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका दक्कन में समस्या बढ़ गई है, शिवाजी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, लेकिन इतना बुरा व्यवहार, उस गोकुल के परिवार को आप आगरा बुलाकर और उसके परिवार के साथ धर्मांतरण, यातनाएं देकर हत्या, वो भी जाट। जो दो ही चीज में विश्वास रखते हैं, शरीर बनाने में, एक युद्ध करने में। गोकुल की घटना ने जाटों को उद्वेलित कर दिया, बहुत बुरी तरह उद्वेलित कर दिया, बुरी तरह। 1685 में राजा राम ने फिर विद्रोह का बिगुल बजा दिया और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए 1685 औरंगजेब दक्कन में है, दिल्ली में नहीं है, वापस आया भी नहीं। 1685 राजा राम, और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए जाटों ने सिकंदरा के मकबरे पे हमला किया, अकबर के मकबरे पे, कब्र खोद ली, जो कुछ दो चार हड्डी वड्डी बची थी अकबर की उसको निकाल के ले आके जला दिए कि चढ़ाएंगे तुमको, किसी को टकला कह दो और प्रतिक्रिया कर दे तो वो जिंदगी भर टकला कहा जाएगा। जाटों को पता चल गया, इसने कछवाहार शासक बिशन सिंह को मथुरा का बना दिया कि आप मथुरा, मथुरा के फौजदार, जाटों को उससे निपटने के लिए राजपूतों को लगा दिया। और राजा राम के बाद चूरामन, चूराम और बदन सिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अराजकता बढ़ी उसका फायदा उठाया और इंडिपेंडेंट भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी। औरंग शाहजहां ने समस्या क्रिएट किया, इसने उन सारी समस्याओं को बढ़ा दिया, सिख बढ़ा दिया, जाट बढ़ा दिया, मराठा बढ़ा दिया। उसकी वजह क्या है? ये भावुक हो जाता है, ये धार्मिक हो जाता है, ये मुसलमान बन जाता है। चपरासी मुसलमान बन जाए, क्लर्क मुसलमान बन जाए, समझ में आता है, राजा राजा अगर हिंदू या मुसलमान बनेगा तो भारत जैसे राज्य में वो कभी सफल नहीं होगा। अगर भारत का राजा ये सोचेगा कि मैं हिंदू हूं और ये अपराधी जो हिंदू हैं ये सब हमारे भाई हैं, ये देश कभी नहीं चलेगा। अपराधी अपराधी हैं, जैसे राजा राजा है, ना वो किसी जाति का है, ना वो किसी धर्म का है, ऐसे अपराधी भी अपराधी है, ना वो किसी जाति का है, ना वो किसी धर्म का है। बैंक का क्लर्क कहे मैं मुसलमान हूं तो क्या फर्क पड़ता है? बैंक का क्लर्क कहे मैं हिंदू हूं तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा हिसाब में घटा बढ़ा दोगे हिंदू मुसलमान होने के नाते? लेकिन शहर का अगर एसएसपी कह दे कि मैं हिंदू हूं, प्रदेश का सीएम अगर कह दे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, देश का राजा यदि कह दे मैं हिंदू हूं, वो भारत जैसे देश में, विभिन्नतावादी मुल्क में, धार्मिक नीति ने उन्माद को बढ़ा दिया, राजपूत नीति ने तनाव को बढ़ा दिया। सिखों की नीति ने तनाव के दायरे को बढ़ा दिया, जाटों की नीति ने तनाव का तो घेरा ही बढ़ता चला गया। और फिर अफगान समस्या, रोशनाई मूवमेंट अफगान में, अफगानिस्तान में, एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना करने का सपना, भागू का विद्रोह। अब ये जाट मराठा बुंदेला सिख मराठा, ये तो तुम कह सकते हो कि हिंदू थे इसलिए औरंगजेब से नफरत करते थे, अफगानी, अफगानिस्तान में एक रोशनाई आंदोलन चल रहा था जिसका उद्देश्य था इथिकल
वैल्यूज पर आधारित लाइफ और एक पीर की भूमिका और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो जो विद्रोह की शुरुआत हुई शाहजहां के काल में, औरंगजेब ने सबका दायरा बढ़ा दिया, सबका दायरा ही बढ़ाया और स्वरूप भी बढ़ाया। शाहजहां के काल में जो विद्रोह है वो इंटरेस्ट को लेकर है। गौर करिए, जो बुंदेला विद्रोह है, जाट विद्रोह है, मराठा विद्रोह, इंटरेस्ट को लेकर है। लेकिन औरंगजेब के काल में जो विद्रोह है वो आइडेंटिटी को लेकर है। ये बहुत बड़ा फर्क है। शाहजहां के काल के जो विद्रोह हैं वो इंटरेस्ट है कि यार तुम हमसे ज्यादा पैसा मांग रहे हो, नहीं देंगे। लेकिन औरंगजेब के काल के जो विद्रोह हैं वो आइडेंटिटी को लेकर है। जाट आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी, अफगान आइडेंटिटी, और ये मुगल वंश पर बहुत भारी पड़ा। क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद ये आइडेंटिटी इतनी मजबूत, सम्राट कमजोर और आइडेंटिटी मजबूत, यही तो हुआ औरंगजेब के मरने के बाद। मुगल सम्राट कमजोर और क्षेत्रीय आइडेंटिटियां मजबूत। तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिखर गया, खत्म। यह समझना है औरंगजेब को पढ़ते वक्त कि वो जो इंटरेस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी वो आइडेंटिटी में परिवर्तित हो गई औरंगजेब की कदमों की वजह से। जाटों ने सोचा ये शासक नहीं है, ये मुसलमान है। वो जो औरंगजेब के दुश्मन थे वो अपने लोगों को भड़काने में सफल हो गए इसकी हरकतों की वजह से। भाई गोकुल ने टैक्स नहीं दिया था, उसको तुम बंद कर देते। किसी और जाट नेता को वहां का जमींदार बना देते। लेकिन जब तुमने गोकुल को हत्या की, उसके परिवार को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, तब जाटों के बीच मैसेज क्या गया कि ये देखो इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। ये गलती कर गया औरंगजेब। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट की लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई बन गई औरंगजेब की नीतियों की वजह से। और वो आइडेंटिटी की लड़ाई इतनी मजबूत होती चली गई कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय राजवंश पैदा हो गए। समझिएगा, यही कमी है औरंगजेब की। फिर विद्रोह के साथ साथ दूसरी घटना औरंगजेब के काल की, जागीरदारी संकट। जैसे आज सबको यूपी कैडर चाहिए, पंजाब कैडर चाहिए, महाराष्ट्र कैडर चाहिए, गुजरात कैडर चाहिए, बिहार कैडर में कौन जाएगा, नागालैंड कैडर में कौन जाएगा। औरंगजेब के काल तक पहुंचते पहुंचते मनसबदारों की संख्या बढ़ गई और बड़े मनसबदारों की पेमेंट जागीर के रूप में होती थी और सबको जागीर चाहिए था यूपी बिहार, क्रीम पोस्टिंग, जिसको आज आईएएस लॉबी कहती है, क्रीम पोस्टिंग। क्रीम पोस्टिंग चाहिए भैया, मलाईदार पोस्टिंग, सबको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए थी। तो जागीरदारी संकट पर काफी खान ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया, एक अनार 100 बीमार। बस वही मनसबदार और जागीरदार आपसी षड्यंत्रों की को प्रोत्साहन, आपसी षड्यंत्र। अब जिसका दक्कन में जागीर थी, जो वहां पैसा वसूल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अंदर ही अंदर मराठों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा वेतन भिजवा दो, बाकी तुम ऐसी तैसी कट डालो। औरंगजेब जिनकी जागीर मथुरा के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर जाटों से समझौता कर लिया। जिनकी जागीर पंजाब के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर पंजाबी विद्रोहियों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा पैसा भिजवा दो, बाकी तुम जो चाहो करो औरंगजेब के साथ। विद्रोह बढ़ते चले गए, जागीरदारी संकट खड़ा हो गया, आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि इसको खालिसा भूमि में वृद्धि करनी पड़ी।
खाली सा भूम, वो भूमि जहां का रेवेन्यू सीधे ट्रेजरी में आता है। जब खालिसा भूम बढ़ेगी, जागीरदारी भूमि कम हो जाएगी। दीवाने आम दीवाने खास की जो रेलिंगें सोने की लगी थी, उतरवानी पड़ी सब इसको। और दक्कन में तो इसने जो किया, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अभी तो इसका एक गुनाह मैं आपको सुनाऊंगा। आप भले ही कभी स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन आप औरंगजेब को माफ नहीं करेंगे। आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, कहते घर फूंक के तमाशा देखोगे। दीवाने आम दीवाने खास की जो स्टाइलें थी सोने वोने की, सब निकाल ली गई लड़ाई में। इतना खर्चा, इतना पैसा, सोलह इसका बेटा अकबर, जब राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो भगा दक्कन की तरफ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, संभाजी गद्दी पर बैठे, शिवाजी के बेटे, और संभाजी ने अकबर को शरण दे दी कि आओ, हम तुम्हारे बाप से बहुत पहले से लड़ते रहे, आओ हमारे यहां। और जब अकबर को, औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी के बेटे संभाजी ने मेरे बेटे को शरण दिया, फिर तो उसको बहुत क्रोध आया। वो टेंशन में तो था ही, इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज राज्य के अंदर राज्य पैदा हो गया था। शिवाजी ने राज्य के अंदर राज्य पैदा कर दिया, मराठा स्वराज। शिवाजी की कहानी सुनाऊंगा एक एपिसोड में आपको। मराठा स्वराज, औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द, राज्य के अंदर राज्य, कि अपने क्षेत्र के आप राजा हैं, कोई सीएम नहीं। तो सीएम को दर्द नहीं होगा? औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द छत्रपति शिवाजी। कहानी सुनाऊंगा उसकी, छत्रपति शिवाजी। अकबर का पीछा करते करते ये 1680 में दक्कन पहुंच गया, और वहां इसको पता चला कि मराठों की ढाल कौन है, ये बीजापुर गोलकुंडा। इसने कहा पहले इन्हीं को मिटा डालो, यही पीठ पीछे मराठों की मदद करते हैं, खत्म कर दो इनको। तो 86-87 में उसने बीजापुर गोलकुंडा दोनों को खत्म कर दिया। अब बचा मराठा। 1689 में संग्रामेश्वर में इसने संभाजी को पकड़ लिया। कुछ घटना घटी, संभाजी ने इसको कुछ चुनौती दी, इसने संभाजी की हत्या करवा दी 1689 में। अब सुनना, अब बड़ी मजेदार बात, अब नहीं माफ कर पाओगे औरंगजेब को, और करना भी मत। बेवकूफी की मोहब्बत और बेवकूफी की दुश्मनी, दोनों का अंत विनाश है। बेवकूफी की मोहब्बत, भैया तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, जबरदस्ती है। शाहरुख खान साहब ने पिक्चर और बनाई है अंजाम, माधुरी दीक्षित जो है चाय में मिर्ची डाल देती भर भर के, उसको पी जाते, कहते एक कप और लाओ। मूवी तो आमिर खान बनाते हैं जो समाज को एक संदेश देती है, थ्री इडियट बहुत पसंद है मुझे वो मूवी बहुत। हालांकि मैं आमिर खान जी से मिला नहीं हूं, कलाकार दोनों बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान जी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आमिर खान की जो मूवियां हैं उनका जो उद्देश्य है, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, एक मूवी उन्होंने भी बनाई थी, मैं समझ नहीं पाया उन्होंने क्यों बनाई, गजनी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आमिर खान, नहीं नहीं, फिर मैं लगा कि यार दौरे सबको पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ते हैं कभी कभी, हो सकता है इनको भी पढ़ गया हो। लेकिन उनकी मूवी है थ्री इडियट, मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मतलब क्या टारगेट किया है हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को, कि टीचर जो है, टीचर डीन, वो अपने स्टूडेंट से अपना ईगो लगा रहा है, उसको वो जिद करता है। उसका नाम क्या है, वीरू सहस्त्र बुद्धि,
हजारों तरह हजारों बुद्धि जिसके अंदर हो वो अपने स्टूडेंट से ईगो लगा रहा, कह रहा है मैं इसे फेल करूंगा। कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। टीचर अपने स्टूडेंट से ईगो लगाएगा? आज के टीचरों का यही हाल है बहुत सारे। वो चतुर्लिंगम, उसको टॉप करना है किसी भी कीमत पर। दूसरे स्टूडेंट के कमरों में ब्लू किताबें डालता है वो, ये डिस्टर्ब हो जाएं। देखो बदतमीजी उसकी, जैसा मास्टर वैसे उसका चेला। लेकिन जो आदमी जागृत है, होश में है, वो अपने डीन की भी मूछ मुड़वा देगा। यही तो हुआ। बड़ी प्यारी मूवी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं इस मंच से इस तरह का संदेश देने के लिए। ईगो, राजा का अंदर ईगो, स्वाभिमान होना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसा आत्म स्वाभिमान। ईगो नहीं, अब तुमने क्या किया, 1689 में इसने संभाजी को पकड़ लिया, हत्या कर दी। अब चेस के खेल में और मोनार्की में अगर राजा गायब हो जाए तो खेल खत्म। जो चेस का खेल है अगर उसमें बोर्ड पर से आप अगर राजा को हटा दे तो खेल होगा ही नहीं। सारा खेल राजा के चारों तरफ केंद्रित है। अब 1689 में तुमने संभाजी को मार दिया, राजा है ही नहीं। गौर करिए, आंख बंद करके सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। राजा है ही नहीं, चेस के बोर्ड पे राजा है ही नहीं। कह रहा हम खेलेंगे, लोगों ने कहा भैया राजा नहीं है। बोले तब भी खेलेंगे, हम प्यादा को मारेंगे। बोले भैया ये खेल का नियम नहीं। बोले हम बना रहे ना। अरे तुम शिवाजी के परिवार से किसी को लेते और उसका राज्याभिषेक कर देते, मराठा स्वराज को मान्यता दे देते, तुम्हारा सारा कष्ट ही खत्म हो जाता जो अंग्रेजों ने किया। तुम जानते हो वो टफ टेरेन है, वहां तुम नहीं लड़ सकते हो, कोई नहीं जीता आज तक। फिर भी और 1689 से 1705 मराठों ने इसको बैडमिंटन की चिड़िया बना दिया। ये दक्षिण जाता था वो उत्तर से पत्थर मारते थे, ये उत्तर भागता था वो पूरब से पत्थर मारते थे, ये पूरब भागता था वो दक्षिण। 16 साल उसको ऐसे नचाते रहे मैरी गो राउंड। राजा है ही नहीं, राजा है ही नहीं। तुम पब्लिक से लड़ रहे हो, जनता से। राजा होता कम से कम उससे जुर्माना तो ले लेते, तुम उससे पैसा तो ले लेते, उस पे फाइन तो लगा देते। तुम्हारा लोटा बिक रहा है, थरिया बिक रहा है, गिलास बिक रहा है, चम्मच बिक रहा है, तुमको हो तुम बस कि अरे हमारी औरंगजेब की बेइज्जती। कद बढ़ाओ, कद अहंकार मत बढ़ाओ, सीखो औरंगजेब से। इतनी बड़ी गलती, जनता से लड़ रहा है। फिर लोग समझ गए कि अरे भैया, इसके बहुत सारे सरदारों ने अंदर ही अंदर मराठाओं से हाथ मिला लिया कि जाओ। औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है, निश्चित तौर पर बदनाम, क्योंकि उसको बदनाम किस आधार पे किया गया? इनको सताया, हिंदुओं को सताया। मैंने तो इतनी कहानी उसकी पढ़ी, सुनी भी कि भैया वो 10,000 हिंदुओं को मारकर खाना खाता था, कि पर डे 10,000 हिंदू मारता था तब खाना खाता था। पर डे? हाँ भैया, साल में 365 दिन होते हैं, 50 साल उसने शासन किया। सबसे ज्यादा मनसबदार उसके राजपूत, मराठा सबसे ज्यादा, मराठा राजपूत भी है, सबसे ज्यादा मनसबदार मराठा। मराठा और राजपूत मनसबदारों के सामने वो देश के सारे मंदिर गिरा देगा और ये लोग देखेंगे। भैया जिस मजार पे जाता था उसको सलाम करता था, अगर उधर से सलाम का जवाब नहीं आता था तो खुदवा देता था उसको।
इस देश के आदमी की आदत है मसाला पैदा करना। कोई कांड हो जाएगा वो मसाला पैदा करेगी। भैया इलाहाबाद का जो शूट आउट हुआ था तो जो बिडेन ने उसके लिए ऑर्डर दिया था, लो अमेरिका का राष्ट्रपति था भैया। कितनी कहानियां लोग सुनाते हैं, अरे भाई एक कांड हो गया है, अब सरकार खोज करेगी, सरकारी एजेंसी जांच करेंगे, हो गया हो गया। लेकिन अगर आप एक कांड की चर्चा सुने, इलाहाबाद में अतीक कांड हुआ, तो उसकी अगर आप चर्चा सुने तो हर आदमी ऐसा लाइव टेलीकास्ट आपको बताएगा। हर आदमी, जितने आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करिए, चार आदमी से अतीक कांड के बारे में चर्चा करिए और फिर सुनिए कौन आदमी किस तरह बता रहा है। कोई इन्वॉल्व हो जाए, भैया तड़ातड़ गोली मार रहा था, भैया भैया तड़तड़ आवाज आ रही थी, भैया ऐसा फील करके आपको सुनाएगा, भैया ऐसा हुआ था, भैया वैसा हुआ था, भैया ये हुआ था। आदत है इस देश की, ये इस देश की आदत है इतनी बात को इतना बढ़ा के बताना। और लाइव बदनाम तो ये है, नो डाउट कि बदनाम नहीं, बदनाम है, लेकिन बदनाम होने के साथ साथ इसके अंदर समय की समझ नहीं है। पी इज इक्वल टू पी, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। इंटरेस्ट की लड़ाई को इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया, ये इसका गुनाह है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इसके बाद के शासकों को, इसका सबसे बड़ा गुनाह। इंटरेस्ट की लड़ाई जो शाहजहां के काल से शुरू हुई, उसने इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया, और वो इतनी गहरी हो गई कि जाट राज्य की स्थापना हो गई, मराठा राज्य और मजबूत हो गया, सिख राज्य की स्थापना हो गई, धार्मिक उन्माद को बढ़ा दिया इसने, धार्मिक उन्माद को। उद्देश्य कुछ भी रहा हो ठीक है, मथुरा के मंदिर में जाट विद्रोही छिपे हुए थे, कुछ भी रहा हो तुम तो राजा हो, तुम तो सोच सकते हो कि इस मुद्दे पे मुझे बदनाम किया जा सकता है। लेकिन तुमको लगा कि बवका अच्छा मिल गया, तुम घिरे हुए चार लोगों से, वो कह रहे सरकार इस्लामिक इतिहास के नायक बन जाएंगे आप, इस्लामिक इतिहास के नायक बनने के चक्कर में आपका वंश चला गया। और ऐसा ही नहीं कि इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई, सूफी सरमद कभी आप दिल्ली जाए जामा मस्जिद, वहीं पे उनकी मजार है फूलों वाली, सूफी सरमद। इस व्यक्ति को अपने समय की पकड़ नहीं है और इस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस नहीं है और इस व्यक्ति से नफरत नहीं की जा सकती, इस व्यक्ति से सीखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा केस है किसी भी विद्यार्थी के लिए, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1556 कुछ भी नहीं है पीछे, अकबर निर्माण करता है, 1656 सब कुछ है पीछे, औरंगजेब विध्वंस करता है। जब भी नायक चुने, जब भी आदर्श चुने, बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि आपका आदर्श आपका भविष्य होता है। भावुकता में नायक ना चुने। अब आपने डॉक्टर अंबेडकर को नायक चुन लिया, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो भी करें, शिक्षा इतना पढ़ें कि अंबेडकर जितना पढ़े हैं कम से कम उसका 20% आप भी पढ़ें। अगर आप अंबेडकर को प्यार करते हैं और अंबेडकर के पास अगर 40 डिग्री है तो 15 आपके पास भी होनी चाहिए, देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। वो आर्थिक संकट और विद्रोह जिसकी नींव रखी शाहजहां ने, मुगल साम्राज्य में छेद किसने किया, शाहजहां ने, उस छेद को गड्ढा बना दिया, किसने, औरंगजेब ने।
और उस गड्ढे को झील में परिवर्तित कर दिया बहादुर शाह वन ने, और उसी झील में मुगल साम्राज्य समा गया। यही है शिक्षा का उद्देश्य, समझ का विकास करना। किसी समय इकबाल साहब ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, शिक्षा नहीं सिखाती आपस में बैर करना, क्योंकि समझ का विकास करेगी। और अगर शिक्षा सिखा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा डरा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा निराश कर रही है वो शिक्षा है ही नहीं। 80% से ज्यादा आज भारत में लोग शिक्षित हैं, और उसमें से 70% डिप्रेशन का शिकार है। क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का, क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का, जब 80% शिक्षित में 70% डिप्रेशन का शिकार है, तो उस शिक्षा का क्या फायदा हुआ? 70% डिप्रेशन और 60% नशेड़ी, कहीं नहीं खा रहे, कह रहे बुद्धिवर्धक चूर्ण है। कर बुद्धिवर्धक चूर्ण, कर कंसंट्रेशन बढ़ता है खाई नहीं खाने से, दिमाग तेज होता है। तब तो हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी को आइंस्टीन होना चाहिए। दिन में 40 बार खा रहे हो और दिमाग कुंद होता जा रहा है, पैंट पहने हो चारों तरफ से फटा है, कह रहे हो फैशन है। शरीर में जान है ही नहीं, 15 किलो वेट है, हवा चले तो तुम्हारा स्टेट चेंज हो जाए, और तुम कॉम्प्लान खा रहे हो, कह रहे हो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, और तुम बाथरूम में घुसे छिपकली सामने पड़ गई, तुम बेहोश हो गए। तुम कभी सोचते हो इन बातों को? आज के भारत में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था समझ का विकास, उसमें शिक्षा फेल कर गई, और यही आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसलिए जिस दिन भी भारत के महानता की दास्तां शुरू होगी, उसकी पहले पत्थर की भूमिका अदा करेगा शिक्षा में सुधार। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कहानी जारी है, लेकिन एक पूरा जो ढांचा है औरंगजेब का, उसको आप जरूर पढ़िए, और मेरी मानिए तो काफी खान को पढ़िए। उनके टाइम का सबसे ऑथेंटिक राइटर है काफी खान, उसको जरूर पढ़िए। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत रुचि है उस आदमी के बारे में जानने की, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, आप जेल मेहता को पढ़ लीजिए। आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। औरंगजेब बेसिकली अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हैं जो अपने समय को, अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा 20 साल की उम्र में कहते हैं, सर बड़ी चिंता हो रही है, नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे। 20 साल की उम्र में 50 का आदमी अगर ये बात कहे तो समझ में आता है। 20, सबसे पहले आर्थिक स्थिरता का प्रयास करिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रयास करना चाहिए। आप बाहर जाएंगे, किसी से कहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार आपकी कोई मदद करेगा, वो एक बार जो मदद आपकी करने वाला है उससे कुछ ऐसी मदद लीजिए कि दोबारा आपको किसी से कुछ ना मांगना पड़े। कुछ स्किल सीख लीजिए,
आज की डेट में हर जेब में मोबाइल है, आज की डेट में हर घर में कंप्यूटर है, बीस साल की उम्र में आप ये मत सोचिए पैसा कहां से आएगा, 20 साल की उम्र में आप ये सोचिए कि आर्थिक स्थिरता कैसे बना लें। अगर 20,000 रुपए महीने की आर्थिक स्थिरता बन रही है, इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर लीजिए। अगर 40,000 रुपए की बन गई है, दिल्ली में रहकर पढ़ लीजिए। 20 साल की उम्र में सबसे पहला विचार यही होना चाहिए कि मेरे पास आय का सोर्स क्या है। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वहां से सोर्स बना लीजिए, कुछ करिए, अपनी परिस्थिति को समझिए। और 22 साल में अगर आर्थिक स्थिति आपकी बनती है तो अगला 8 साल पड़ा है अपने जीवन को संवारने का। रोटी और कपड़ा अगर चुनौती बन जाए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। औरंगजेब से यह सीखना है, अपनी परिस्थिति को समझना है, अपने समय को समझना है, अपनी प्राथमिकता को समझना है। पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है, यही तो काम है शिक्षा का। औरंगजेब पढ़ाकर क्या फायदा होगा? पहला फायदा, विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, मुल्क में किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वभाव को राज्य के नियम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। यही सब तो सीख रहे हो। राजा के लिए ईगो माने नहीं रखता। भरवाड़ का केस, एक इसकी घटना सुनाता हूं। सतनामी विद्रोह 1672 नारनौल, मथुरा से आगे नारनौल एक जगह पड़ती है, वहां पे एक समुदाय रहता था सतनामी। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सारा नाम यूज करते थे भगवान के लिए। बड़ा सेकुलर संप्रदाय था वो। बाल सेव करते थे, आग की भौ सेव कर लेते थे, पूरा क्लीन सेव रहते थे, भौ वो सब सेव कर लेते थे। अब आप सोच के देखो, किसी आदमी ने अपना भौ सेव कर रखा है, बाल तो सेव ठीक है, बुद्ध के भी बाल सेव है, क्लीन सेव है, लेकिन भौ, ये आईब्रोज, इसको भी सेव कर लिया। अब किसी मुगल सिपाही की सतनामी पे निगाह पड़ी, उसने हंस दिया, हंसी आ गई तो सतनामी सिपाही ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। अब जब उसने बोला तो मुगल सिपाही ने उठा के एक डंडा मार दिया सर पे। कितनी छोटी सी घटना है, कितनी सामान्य सी घटना है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के एक सिपाही ने किसी को एक तमाचा मार दिया। अब सीओ क्या करेगा? अब भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग पुलिस के खिलाफ बोलने लगे, सीओ क्या करेगा? सीओ आकर उस सिपाही को रेप्रिमेंड करेगा, पहला काम, डांटेगा, फटकारेगा। पब्लिक नहीं मान रही है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गया मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन सतनामी का ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर औरंगजेब ने खुद एक्शन लिया। जब सतनामी खड़े हुए मुगलों के विरुद्ध, औरंगजेब खुद सतनामी झंडा लेकर आए थे, उसमें मंत्र अंतर लिखा हुआ था, ये भी झंडा लेकर आया था, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। सम्राट हो तुम, सम्राट हो किसी छोटे मोटे राज्य के नहीं, हिंदुस्तान के। कितना छोटा मामला है, सिपाही का मामला। मतलब जो इसके अगल बगल लोग थे वो मान लिए कि शहंशाह डिस्टर्ब है। दक्कन का मामला, बीजापुर, गोलकुंडा, वहां इसके बेटे ने इसको एक राय दी, चालम ने, कि अब्बा हम क्यों लड़े जाके नीचे, हम अपनी ऊर्जा, अपना पैसा क्यों बहाएं।
औरंगजेब ने कहा फिर, बोले फिर क्या करना, क्या हम मराठों को फंड करेंगे, यहां से पैसा भेजेंगे, मराठा लड़ेंगे हमारे लिए, और जब मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तब हम मराठा को खत्म कर देंगे और हमारा दक्कन और दक्षिण भारत पर कब्जा। कितनी बढ़िया राय है, कितनी बढ़िया राय है। बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला वो एक बच्चे की वजह से मिला। निरंजना नदी के किनारे सूखे बैठे हुए हैं, एक बच्ची, सुना बुद्ध ने उसकी बात को, बच्ची की। हसन बसरी बाजार में जा रहे थे, बहुत बड़े संत महात्मा, अल्लाह को ढूंढ रहे थे, अरहत होने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को आलिम समझते थे। एक बच्चा चिराग लिए जा रहा था, उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा ये चिराग आपने जलाया? उसने कहा हां। कहा इसमें रोशनी कहां से आई? उस बच्चे ने कहा एक काम करिए, आप इसको बुझा दिए तो मैं बताऊं। इन्होंने बुझा दिया तो उस बच्चे ने हसन बसरी से कहा कि चचा ये चिराग आपने बुझाया? इन्होंने कहा हां। बोले बताओ कहां गई? तुम बता दोगे कहां कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। हसन बसरी ने लिखा है कि एक बच्चे ने मुझे औकात याद दिला दी। किसी को सर्वज्ञानी नहीं बनना चाहिए, सतनामी। इसका एक कितना बढ़िया राय दिया इसका। उस बेटे को 12 साल जेल में रखा। मारवाड़ और मेवाड़ की जब समस्या चल रही थी, उसका बेटा अकबर, उसने समझाया औरंगजेब को कि अब्बा ये आपके फ्री के शूटर हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने, इनसे काय लड़ रहे हो। वो अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। अकबर अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। औरंगजेब को छल का सहारा लेना पड़ा, राजपूत के कैंप में फर्जी चिट्ठियां डालनी पड़ी अकबर के नाम पर कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम राजपूतों से जाके मिल गए, तुम इनको हमारे पास ले आए, अब हम दोनों बाप बेटे मिलकर राजपूतों को मारेंगे। ये आदमी मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आदमी ईमानदार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये आदमी धार्मिक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ईमानदारी, धार्मिकता और मेहनत अच्छी है, लेकिन राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए जो चुनौतियों से निपटे, चुनौतियां बढ़ाए नहीं। इस व्यक्ति ने तो सारी चुनौतियां ही बढ़ा दी। वो चुनौतियां पैदा किसने की? शाहजहां ने। इसने क्या किया? चुनौतियां बढ़ा दी। जाट, जाट विद्रोह 1669 गोकुल, क्या बुरा व्यवहार किया गया उसके और उसके परिवार के साथ। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, भूमिकर का मामला है, नहीं दे रहे हैं, उसको समझाइए, बात करिए, निगोशिएशन करिए, डायलॉग खोलिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका दक्कन में समस्या बढ़ गई है, शिवाजी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, लेकिन इतना बुरा व्यवहार, उस गोकुल के परिवार को आप आगरा बुलाकर और उसके परिवार के साथ धर्मांतरण, यातनाएं देकर हत्या, वो भी जाट। जो दो ही चीज में विश्वास रखते हैं, शरीर बनाने में, एक युद्ध करने में। गोकुल की घटना ने जाटों को उद्वेलित कर दिया, बहुत बुरी तरह उद्वेलित कर दिया, बुरी तरह। 1685 में राजा राम ने फिर विद्रोह का बिगुल बजा दिया और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए 1685 औरंगजेब दक्कन में है, दिल्ली में नहीं है, वापस आया भी नहीं। 1685 राजा राम
और औरंगजेब को चुढ़ाने के लिए जाटों ने सिकंदरा के मकबरे पे हमला किया, अकबर के मकबरे पे कब्र खोद ली, जो कुछ दो चार हड्डी वड्डी बची थी अकबर की उसको निकाल के ले आके जला दिए कि चढ़ाएंगे तुमको, किसी को टकला कह दो और प्रतिक्रिया कर दे तो वो जिंदगी भर टकला कहा जाएगा। जाटों को पता चल गया इसने कछवाहार शासक बिशन सिंह को मथुरा का बना दिया कि आप मथुरा के फौजदार, जाटों को उससे निपटने के लिए राजपूतों का लगा दिया। और राजा राम के बाद चूरामन और बदन सिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अराजकता बढ़ी उसका फायदा उठाया और इंडिपेंडेंट भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी। शाहजहां ने समस्या क्रिएट किया, इसने उन सारी समस्याओं को बढ़ा दिया, मराठा बढ़ा दिया, उसकी वजह क्या है? ये भावुक हो जाता है, ये धार्मिक हो जाता है, ये मुसलमान बन जाता है। अब चपरासी मुसलमान बन जाए, क्लर्क मुसलमान बन जाए, समझ में आता है, राजा राजा अगर हिंदू या मुसलमान बनेगा तो भारत जैसे राज्य में वो कभी सफल नहीं होगा। अगर भारत का राजा ये सोचेगा कि मैं हिंदू हूं और ये अपराधी जो हिंदू हैं ये सब हमारे भाई हैं, ये देश कभी नहीं चलेगा। अपराधी अपराधी हैं, जैसे राजा राजा है, ना वो किसी जाति का है ना वो किसी धर्म का है, ऐसे अपराधी भी अपराधी है, ना वो किसी जाति का है ना वो किसी धर्म का है। बैंक का क्लर्क कहे मैं मुसलमान हूं तो क्या फर्क पड़ता है? बैंक का क्लर्क कहे मैं हिंदू हूं तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा हिसाब में घटा बढ़ा दोगे हिंदू मुसलमान होने के नाते? लेकिन शहर का अगर एसएसपी कह दे कि मैं हिंदू हूं, प्रदेश का सीएम अगर कह दे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, देश का राजा यदि कह दे मैं हिंदू हूं, वो भारत जैसे देश में विभिन्नतावादी मुल्क में धार्मिक नीति ने उन्माद को बढ़ा दिया, राजपूत नीति ने तनाव को बढ़ा दिया। सिखों की नीति ने तनाव के दायरे को बढ़ा दिया, जाटों की नीति ने तनाव का तो घेरा ही बढ़ता चला गया। और फिर अफगान समस्या, रोशनाई मूवमेंट अफगान में, अफगानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना करने का सपना, भागु का विद्रोह। अब ये जाट मराठा बुंदेला सिख मराठा, ये तो तुम कह सकते हो कि हिंदू थे इसलिए औरंगजेब से नफरत करते थे, अफगानी, अफगानिस्तान में एक रोशनाई आंदोलन चल रहा था जिसका उद्देश्य था इथिकल वैल्यूज पर आधारित लाइफ और एक पीर की भूमिका और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो जो विद्रोह की शुरुआत हुई शाहजहां के काल में, औरंगजेब ने सबका दायरा बढ़ा दिया, सबका दायरा ही बढ़ाया और स्वरूप भी बढ़ाया। शाहजहां के काल में जो विद्रोह है वो इंटरेस्ट को लेकर है। गौर करिए, जो बुंदेला विद्रोह है, जाट विद्रोह है, मराठा विद्रोह, वो इंटरेस्ट को लेकर है। लेकिन औरंगजेब के काल में जो विद्रोह है वो आइडेंटिटी को लेकर है। यह बहुत बड़ा फर्क है। शाहजहां के काल के जो विद्रोह हैं वो इंटरेस्ट है कि यार तुम उनसे ज्यादा पैसा मांग रहे हो, नहीं देंगे। लेकिन औरंगजेब के काल के जो विद्रोह हैं वो आइडेंटिटी को लेकर है, जाट आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी, अफगान आइडेंटिटी। और ये मुगल वंश पर बहुत भारी पड़ा क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद ये आइडेंटिटी इतनी मजबूत, सम्राट कमजोर और आइडेंटिटी मजबूत, यही तो हुआ औरंगजेब के मरने के बाद। मुगल सम्राट कमजोर और क्षेत्रीय आइडेंटिटियां मजबूत, तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिखर गया, खत्म।
ये समझना है औरंगजेब को पढ़ते वक्त कि वो जो इंटरेस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी वो आइडेंटिटी में परिवर्तित हो गई औरंगजेब के कदमों की वजह से। जाटों ने सोचा ये शासक नहीं है, ये मुसलमान है। वो जो औरंगजेब के दुश्मन थे वो अपने लोगों को भड़काने में सफल हो गए इसकी हरकतों की वजह से। भाई गोकुल ने टैक्स नहीं दिया था, उसको तुम बंद कर देते। किसी और जाट नेता को वहां का जमींदार बना देते। लेकिन जब तुमने गोकुल को हत्या की, उसके परिवार को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, तब जाटों के बीच मैसेज क्या गया कि ये देखो इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। ये गलती कर गया औरंगजेब। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट की लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई बन गई औरंगजेब की नीतियों की वजह से। और वो आइडेंटिटी की लड़ाई इतनी मजबूत होती चली गई कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय राजवंश पैदा हो गए। समझिएगा, यही कमी है औरंगजेब की। फिर विद्रोह के साथ साथ दूसरी घटना औरंगजेब के काल की जागीरदारी संकट। जैसे आज सबको यूपी कैडर चाहिए, पंजाब कैडर चाहिए, महाराष्ट्र कैडर चाहिए, गुजरात कैडर चाहिए, बिहार कैडर में कौन जाएगा, नागालैंड कैडर में कौन जाएगा। औरंगजेब के काल तक पहुंचते पहुंचते मनसबदारों की संख्या बढ़ गई और बड़े मनसबदारों की पेमेंट जागीर के रूप में होती थी और सबको जागीर चाहिए था यूपी बिहार, क्रीम पोस्टिंग, जिसको आज आईएस लॉबी कहती है क्रीम पोस्टिंग। क्रीम पोस्टिंग चाहिए भैया, मलाईदार पोस्टिंग, सबको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए थी। तो जागीरदारी संकट पर काफी खान ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया, एक अनार सौ बीमार। बस वही मनसबदार और जागीरदार आपसी षड्यंत्रों की को प्रोत्साहन, आपसी षड्यंत्र। अब जिसका दक्कन में जागीर थी, जो वहां पैसा वसूल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अंदर ही अंदर मराठों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा वेतन भिजवा दो, बाकी तुम ऐसी तैसी कट डालो। औरंगजेब जिनकी जागीर मथुरा के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर जाटों से समझौता कर लिया। जिनकी जागीर पंजाब के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर पंजाबी विद्रोहियों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा पैसा भिजवा दो, बाकी तुम जो चाहो करो औरंगजेब के साथ। विद्रोह बढ़ते चले गए, जागीरदारी संकट खड़ा हो गया, आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि इसको खालिसा भूमि में वृद्धि करनी पड़ी। खालिसा भूमि वो भूमि जहां का रेवेन्यू सीधे ट्रेजरी में आता है। जब खालिसा भूमि बढ़ेगी, जागीरदारी भूमि कम हो जाएगी। दीवाने आम दीवाने खास की जो रेलिंगें सोने की लगी थी, उतरवानी पड़ी सब इसको। और दक्कन में तो इसने जो किया, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अभी तो इसका एक गुनाह मैं आपको सुनाऊंगा। आप भले ही कभी स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन आप औरंगजेब को माफ नहीं करेंगे। आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, कहते घर फूंक के तमाशा देखोगे। दीवाने आम दीवाने खास की जो स्टाइलें थी सोने वोने की, सब निकाल ली गई लड़ाई में। इतना खर्चा, इतना पैसा, सोलह इसका बेटा अकबर, जब राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो भगा दक्कन की तरफ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, संभाजी गद्दी पर बैठे, शिवाजी के बेटे, और संभाजी ने अकबर को शरण दे दी कि आओ हम तुम्हारे बाप से बहुत पहले से लड़ते रहे, आओ हमारे यहां। और जब अकबर को, औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी के बेटे संभाजी ने मेरे बेटे को शरण दिया, फिर तो उसको बहुत क्रोध आया। वो टेंशन में तो था ही, इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज राज्य के अंदर राज्य पैदा हो गया था। शिवाजी ने राज्य के अंदर राज्य पैदा कर दिया, मराठा स्वराज।
शिवाजी की कहानी सुनाऊंगा एक एपिसोड में आपको। मराठा स्वराज औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द राज्य के अंदर राज्य कि अपने क्षेत्र के आप राजा हैं, कोई सीएम नहीं, तो सीएम को दर्द नहीं होगा। औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द छत्रपति शिवाजी। कहानी सुनाऊंगा उसकी, छत्रपति शिवाजी। अकबर का पीछा करते करते ये 1680 में दक्कन पहुंच गया और वहां इसको पता चला कि मराठों की ढाल कौन है, ये बीजापुर गोलकुंडा। इसने कहा पहले इन्हीं को मिटा डालो, यही पीठ पीछे मराठों की मदद करते हैं, खत्म कर दो इनको। 1687-87 में उसने बीजापुर गोलकुंडा दोनों को खत्म कर दिया। अब बचा मराठा। 1689 में संग्रामेश्वर में इसने संभाजी को पकड़ लिया। कुछ घटना घटी, संभाजी ने इसको कुछ चुनौती दी, इसने संभाजी की हत्या करवा दी 1689 में। अब सुनना, अब बड़ी मजेदार बात, अब नहीं माफ कर पाओगे औरंगजेब को, और करना भी मत। बेवकूफी की मोहब्बत और बेवकूफी की दुश्मनी दोनों का अंत विनाश है। बेवकूफी की मोहब्बत, भैया तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, जबरदस्ती है। शाहरुख खान साहब ने पिक्चर और बनाई है अंजाम, उसमें माधुरी दीक्षित जो है चाय में मिर्ची डाल देती भर भर के, उसको पी जाते, कहते एक कप और लाओ। मूवी तो आमिर खान बनाते हैं जो समाज को एक संदेश देती है, थ्री इडियट बहुत पसंद है मुझे वो मूवी बहुत। हालांकि मैं आमिर खान जी से मिला नहीं हूं, कलाकार दोनों बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान जी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आमिर खान की जो मूवियां हैं उनका जो उद्देश्य है, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, एक मूवी उन्होंने भी बनाई थी, मैं समझ नहीं पाया उन्होंने क्यों बनाई, गजनी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आमिर खान नहीं। फिर हमें लगा कि यार दौरे सबको पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ते हैं कभी कभी, हो सकता है इनको भी पढ़ गया हो, लेकिन उनकी मूवी है थ्री इडियट मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मतलब क्या टारगेट किया है हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को, कि टीचर जो है, टीचर डीन, वो अपने स्टूडेंट से अपना ईगो लगा रहा है, उसको वो जिद करता है, उसका नाम क्या है, वीरू सहस्त्र बुद्धि, हजारों तरह का, हजारों बुद्धि जिसके अंदर हो, वो अपने स्टूडेंट से ईगो लगा रहा है, कह रहा है मैं इसे फेल करूंगा, कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। टीचर अपने स्टूडेंट से ईगो लगाएगा, आज के टीचरों का यही हाल है बहुत सारे। वो चतुर्लिंगम, उसको टॉप करना है किसी भी कीमत पर, दूसरे स्टूडेंट के कमरों में ब्लू किताबें डालता है वो कि ये डिस्टर्ब हो जाएं। देखो बदतमीजी उसकी, जैसा मास्टर वैसे उसका चेला। लेकिन जो आदमी जागृत है, होश में है, वो अपने डीन की भी मूछ मुड़वा देगा। यही तो हुआ, बड़ी प्यारी मूवी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं इस मंच से, इस तरह का संदेश देने के लिए। ईगो, राजा का अंदर ईगो, स्वाभिमान ना होना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसा आत्म स्वाभिमान, ईगो नहीं। अब तुमने क्या किया, 1689 में इसने संभाजी को पकड़ लिया, हत्या कर दी। अब चेस के खेल में और मोनार्की में अगर राजा गायब हो जाए तो खेल खत्म। जो चेस का खेल है, अगर उसमें बोर्ड पर से आप अगर राजा को हटा दे तो खेल होगा ही नहीं, सारा खेल राजा के चारों तरफ केंद्रित है,
अब 1689 में तुमने संभाजी को मार दिया, राजा है नहीं। गौर करिए, आंख बंद करके सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, राजा है ही नहीं। चेस के बोर्ड पे राजा है ही नहीं। कह रहा हम खेलेंगे, लोगों ने कहा भैया राजा नहीं है। बोले तब भी खेलेंगे, हम प्यादा को मारेंगे। बोले भैया ये खेल का नियम नहीं। बोले हम बना रहे ना। अरे तुम शिवाजी के परिवार से किसी को लेते और उसका राज्याभिषेक कर देते, मराठा स्वराज को मान्यता दे देते, तुम्हारा सारा कष्ट ही खत्म हो जाता जो अंग्रेजों ने किया। तुम जानते हो वो टफ टेरेन है, वहां तुम नहीं लड़ सकते हो, कोई नहीं जीता आज तक। फिर भी और 1689 से 1705 मराठों ने इसको बैडमिंटन की चिड़िया बना दिया। ये दक्षिण जाता था वो उत्तर से पत्थर मारते थे, ये उत्तर भागता था वो पूरब से पत्थर मारते थे, ये पूरब भागता था वो दक्षिण। 16 साल उसको ऐसे नचाते रहे मैरी गो राउंड। राजा है ही नहीं, राजा है ही नहीं। तुम पब्लिक से लड़ रहे हो, जनता से। राजा होता कम से कम उससे जुर्माना तो ले लेते तुम, उससे पैसा तो ले लेते, उस पे फाइन तो लगा देते। तुम्हारा लोटा बिक रहा है, थरिया बिक रहा है, गिलास बिक रहा है, चम्मच बिक रहा है, तुमको हो तुम बस कि अरे हमारी औरंगजेब की बेइज्जती। कद बढ़ाओ, कद अहंकार मत बढ़ाओ, सीखो औरंगजेब से। इतनी बड़ी गलती, जनता से लड़ रहा है। फिर लोग समझ गए कि अरे भैया, इसके बहुत सारे सरदारों ने अंदर ही अंदर मराठाओं से हाथ मिला लिया कि जाओ। औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है, निश्चित तौर पर बदनाम है, क्योंकि उसको बदनाम किस आधार पे किया गया? इनको सताया, हिंदुओं को सताया। मैंने तो इतनी कहानी उसकी पढ़ी सुनी भी कि भैया वो 10,000 हिंदुओं को मारकर खाना खाता था, कि पर डे 10,000 हिंदू मारता था तब खाना खाता था पर डे। हाँ भैया, साल में 365 दिन होते हैं, 50 साल उसने शासन किया। सबसे ज्यादा मनसबदार उसके राजपूत, मराठा सबसे ज्यादा, मराठा राजपूत भी है, सबसे ज्यादा मनसबदार मराठा। मराठा और राजपूत मनसबदारों के सामने वो देश के सारे मंदिर गिरा देगा और ये लोग देखेंगे। भैया जिस मजार पे जाता था उसको सलाम करता था, अगर उधर से सलाम का जवाब नहीं आता था तो खुदवा देता था उसको। इस देश के आदमी की आदत है मसाला पैदा करना, कोई कांड हो जाएगा वो मसाला पैदा करेगी। भैया इलाहाबाद पे जो शूट आउट हुआ था तो जो बिडेन ने उसके लिए ऑर्डर दिया था, लो अमेरिका का राष्ट्रपति था भैया। कितनी कहानियां लोग सुनाते हैं, अरे भाई एक कांड हो गया है, अब सरकार खोज करेगी, सरकारी एजेंसी जांच करेंगे, हो गया हो गया। लेकिन अगर आप एक कांड की चर्चा सुने, इलाहाबाद में अति कांड हुआ तो उसकी अगर आप चर्चा सुने तो हर आदमी ऐसा लाइव टेलीकास्ट आपको बताएगा। हर आदमी, जितने आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करिए, 4 आदमी से अति कांड के बारे में चर्चा करिए और फिर सुनिए कौन आदमी किस तरह बता रहा है। कोई इन्वॉल्व हो जाए, भैया तड़ातड़ गोली मार रहा था भैया, भैया तड़तड़ आवाज आ रही थी भैया, ऐसा फील करके आपको सुनाएगा, भैया ऐसा हुआ था, भैया वैसा हुआ था, भैया ये हुआ था। आदत है इस देश की, ये इस देश की आदत है, इतनी बात को इतना बढ़ा के बताना और लाइव। बदनाम तो ये है, नो डाउट कि बदनाम नहीं, बदनाम है, लेकिन बदनाम होने के साथ साथ इसके अंदर समय की समझ नहीं है। पी इज इक्वल टू पी, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। इंटरेस्ट की लड़ाई को इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया,
ये इसका गुनाह है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इसके बाद के शासकों को, इसका सबसे बड़ा गुनाह। इंटरेस्ट की लड़ाई जो शाहजहां के काल से शुरू हुई, उसने इसने इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया, और वो इतनी गहरी हो गई कि जाट राज्य की स्थापना हो गई, मराठा राज्य और मजबूत हो गया, सिख राज्य की स्थापना हो गई, धार्मिक उन्माद को बढ़ा दिया इसने, धार्मिक उन्माद को। उद्देश्य कुछ भी रहा हो ठीक है, मथुरा के मंदिर में जाट विद्रोही छिपे हुए थे, कुछ भी रहा हो, तुम तो राजा हो, तुम तो सोच सकते हो कि इस मुद्दे पे मुझे बदनाम किया जा सकता है, लेकिन तुमको लगा कि बवका अच्छा मिल गया, तुम घिरे हुए चार लोगों से, वो कह रहे सरकार इस्लामिक इतिहास के नायक बन जाएंगे आप, इस्लामिक इतिहास के नायक बनने के चक्कर में आपका वंश चला गया। और ऐसा ही नहीं कि इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई, सूफी सरमद कभी आप दिल्ली जाएं जामा मस्जिद, वहीं पे उनकी मजार है फूलों वाली, सूफी सरमद, इस व्यक्ति को अपने समय की पकड़ नहीं है और इस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस नहीं है और इस व्यक्ति से नफरत नहीं की जा सकती, इस व्यक्ति से सीखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा केस है किसी भी विद्यार्थी के लिए, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1556 कुछ भी नहीं है पीछे, अकबर निर्माण करता है, 1656 सब कुछ है पीछे, औरंगजेब विध्वंस करता है। जब भी नायक चुने, जब भी आदर्श चुने, बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि आपका आदर्श आपका भविष्य होता है। भावुकता में नायक ना चुने। अब आपने डॉक्टर अंबेडकर को नायक चुन लिया, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो भी करें, शिक्षा इतना पढ़ें कि अंबेडकर जितना पढ़े हैं कम से कम उसका 20% आप भी पढ़ें। अगर आप अंबेडकर को प्यार करते हैं और अंबेडकर के पास अगर 40 डिग्री है तो 15 आपके पास भी होनी चाहिए, देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। वो आर्थिक संकट और विद्रोह जिसकी नींव रखी शाहजहां ने, मुगल साम्राज्य में छेद किसने किया, शाहजहां ने, उस छेद को गड्ढा बना दिया, किसने, औरंगजेब ने, और उस गड्ढे को झील में परिवर्तित कर दिया बहादुर शाह वन ने, और उसी झील में मुगल साम्राज्य समा गया। यही है शिक्षा का उद्देश्य, समझ का विकास करना। इसी समय इकबाल साहब ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, शिक्षा नहीं सिखाती आपस में वैर करना, क्योंकि समझ का विकास करेगी। और अगर शिक्षा सिखा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा डरा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा निराश कर रही है वो शिक्षा है ही नहीं। 80% से ज्यादा आज भारत में लोग शिक्षित हैं और उसमें से 70% डिप्रेशन का शिकार है। क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का, क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का, जब 80% शिक्षित में 70% डिप्रेशन का शिकार है, तो उस शिक्षा का क्या फायदा हुआ। 70% डिप्रेशन और 60% नशेड़ी, कहीं नहीं खा रहे, कह रहे बुद्धिवर्धक चूर्ण है। कह रहे कंसंट्रेशन बढ़ता है कहीं नहीं खाने से, दिमाग तेज होता है। तब तो हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी को आइंस्टीन होना चाहिए,
दिन में 40 बार खा रहे हो और दिमाग कुंद होता जा रहा है, पैंट पहने हो चारों तरफ से फटा है, कह रहे हो फैशन है, शरीर में जान है ही नहीं, 15 किलो वेट है, हवा चले तो तुम्हारा स्टेट चेंज हो जाए, और तुम कॉम्प्लेन खा रहे हो, कह रहे हो आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, और तुम बाथरूम में घुसे छिपकली सामने पड़ गई, तुम बेहोश हो गए। तुम कभी सोचते हो इन बातों को? आज के भारत में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था समझ का विकास, उसमें शिक्षा फेल कर गई, और यही आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसलिए जिस दिन भी भारत के महानता की दास्तां शुरू होगी, उसकी पहले पत्थर की भूमिका अदा करेगा शिक्षा में सुधार। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कहानी जारी है, लेकिन एक पूरा जो ढांचा है औरंगजेब का, उसको आप जरूर पढ़िए, और मेरी मानिए तो काफी खान को पढ़िए, उनके टाइम का सबसे ऑथेंटिक राइटर है काफी खान, उसको जरूर पढ़िए। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत रुचि है उस आदमी के बारे में जानने की, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, आप जयल मेहता को पढ़ लीजिए, आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। औरंगजेब बेसिकली अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हैं जो अपने समय को, अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा 20 साल की उम्र में कहते हैं सर बड़ी चिंता हो रही है, नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे, 20 साल की उम्र में। 50 का आदमी अगर ये बात कहे तो समझ में आता है, 20। सबसे पहले आर्थिक स्थिरता का प्रयास करिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रयास करना चाहिए। आप बाहर जाएंगे, किसी से कहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार आपकी कोई मदद करेगा, वो एक बार जो मदद आपकी करने वाला है उससे कुछ ऐसे मदद लीजिए कि दोबारा आपको किसी से कुछ ना मांगना पड़े। कुछ स्किल सीख लीजिए। आज की डेट में हर जेब में मोबाइल है, आज की डेट में हर घर में कंप्यूटर है, बीस साल की उम्र में आप ये मत सोचिए पैसा कहां से आएगा, 20 साल की उम्र में आप ये सोचिए कि आर्थिक स्थिरता कैसे बना ले। अगर 20,000 रुपए महीने की आर्थिक स्थिरता बन रही है, इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर लीजिए, अगर 40,000 रुपए की बन गई है, दिल्ली में रहकर पढ़ लीजिए। 20 साल की उम्र में सबसे पहला विचार यही होना चाहिए कि मेरे पास आय का सोर्स क्या है। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वहां से सोर्स बना लीजिए, कुछ करिए, अपनी परिस्थिति को समझिए। और 22 साल में अगर आर्थिक स्थिति आपकी बनती है तो अगला 8 साल पड़ा है अपने जीवन को संवारने का। रोटी और कपड़ा अगर चुनौती बन जाए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। औरंगजेब से यह सीखना है, अपनी परिस्थिति को समझना है, अपने समय को समझना है, अपनी प्राथमिकता को समझना है। पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है, यही तो काम है शिक्षा का। औरंगजेब पढ़ाकर क्या फायदा होगा? पहला फायदा, विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, मुल्क में किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वभाव को राज्य के नियम के साथ नहीं मिलाया जा सकता।
यही सब तो सीख रहे हो। राजा के लिए ईगो माने नहीं रखता। मारवाड़ का केस, एक इसकी घटना सुनाता हूं। सतनामी विद्रोह 1672 नारनौल, मथुरा से आगे नारनौल एक जगह पड़ती है, वहां पे एक समुदाय रहता था सतनामी। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सारा नाम यूज करते थे भगवान के लिए। बड़ा सेकुलर संप्रदाय था वो। बाल सेव करते थे, आग की भाव सेव कर लेते थे, पूरा क्लीन सेव रहते थे, भाव वो सब सेव कर लेते थे। अब आप सोच के देखो, किसी आदमी ने अपना भाव सेव कर रखा है, बाल तो सेव ठीक है, बुद्ध के भी बाल सेव है, क्लीन सेव है, लेकिन भाव, ये आईब्रोज, इसको भी सेव कर लिया। अब किसी मुगल सिपाही की सतनामी पे निगाह पड़ी, उसने हंस दिया, हंसी आ गई। तो सतनामी सिपाही ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। अब जब उसने बोला तो मुगल सिपाही ने उठा के एक डंडा मार दिया सर पे। कितनी छोटी सी घटना है, कितनी सामान्य सी घटना है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के एक सिपाही ने किसी को एक तमाचा मार दिया। अब सीओ क्या करेगा? अब भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग पुलिस के खिलाफ बोलने लगे, सीओ क्या करेगा? सीओ आकर उस सिपाही को रिप्रिमेंड करेगा। पहला काम, डांटेगा, फटकारेगा। पब्लिक नहीं मान रही है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गया मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन सतनामी का ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर औरंगजेब ने खुद एक्शन लिया। जब सतनामी खड़े हुए मुगलों के विरुद्ध, औरंगजेब खुद सतनामी झंडा लेकर आए थे, उसमें मंत्र अंतर लिखा हुआ था। ये भी झंडा लेकर आया था, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। सम्राट हो तुम, सम्राट हो किसी छोटे मोटे राज्य के नहीं, हिंदुस्तान के। कितना छोटा मामला है, सिपाही का मामला। मतलब जो इसके अगल बगल लोग थे वो मान लिए कि शहंशाह डिस्टर्ब है। दक्कन का मामला, बीजापुर, गोलकुंडा, वहां इसके बेटे ने इसको एक राय दी चालम ने कि अब्बा हम क्यों लड़े जाके नीचे, हम अपनी ऊर्जा अपना पैसा क्यों बहाएं। औरंगजेब ने कहा फिर, बोले फिर क्या करना, क्या है? हम मराठों को फंड करेंगे, यहां से पैसा भेजेंगे, मराठा लड़ेंगे हमारे लिए, और जब मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तब हम मराठा को खत्म कर देंगे और हमारा दक्कन और दक्षिण भारत पर कब्जा। कितनी बढ़िया राय है। बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला वो एक बच्ची की वजह से मिला। निरंजना नदी के किनारे सूखे बैठे हुए हैं, एक बच्ची। सुना बुद्ध ने उसकी बात को, बच्ची की। हसन बसरी बाजार में जा रहे थे, बहुत बड़े संत महात्मा, अल्लाह को ढूंढ रहे थे, अरहत होने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को आलिम समझते थे। एक बच्चा चिराग लिए जा रहा था, उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा ये चिराग आपने जलाया? उसने कहा हां। कहा इसमें रोशनी कहां से आई? उस बच्चे ने कहा एक काम करिए, आप इसको बुझा दिए तो मैं बताऊं। इन्होंने बुझा दिया तो उस बच्चे ने हसन बसरी से कहा कि चचा ये चिराग आपने बुझाया? इन्होंने कहा हां। बोले बताओ कहां गई? तुम बता दोगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। हसन बसरी ने लिखा है कि एक बच्चे ने मुझे औकात याद दिला दी।
किसी को सर्वज्ञानी नहीं बनना चाहिए। सतनामी, इसका एक कितना बढ़िया राय दिया इसका। उस बेटे को 12 साल जेल में रखा। मारवाड़ और मेवाड़ की जब समस्या चल रही थी, इसका बेटा अकबर, उसने समझाया औरंगजेब को कि अब्बा ये आपके फ्री के शूटर हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने, इनसे काय लड़ रहे हो। वो अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। अकबर अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। औरंगजेब को छल का सहारा लेना पड़ा। राजपूत के कैंप में फर्जी चिट्ठियां डालनी पड़ी अकबर के नाम पर कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम राजपूतों से जाके मिल गए, तुम इनको हमारे पास ले आए, हम दोनों बाप बेटे मिलकर राजपूतों को मारेंगे। यह आदमी मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह आदमी ईमानदार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यह आदमी धार्मिक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ईमानदारी, धार्मिकता और मेहनत अच्छी है, लेकिन राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए जो चुनौतियों से निपटे, चुनौतियां बढ़ाए नहीं। इस व्यक्ति ने तो सारी चुनौतियां ही बढ़ा दी। वो चुनौतियां पैदा किसने की? शाहजहां ने। इसने क्या किया? चुनौतियां बढ़ा दी। जाट, जाट विद्रोह 1669, गोकुल, क्या बुरा व्यवहार किया गया उसके और उसके परिवार के साथ। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, भूमिकर का मामला है, नहीं दे रहे हैं, उसको समझाइए, बात करिए, निगोशिएशन करिए, डायलॉग खोलिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका दक्कन में समस्या बढ़ गई है, शिवाजी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, लेकिन इतना बुरा व्यवहार, उस गोकुल के परिवार को आप आगरा बुलाकर और उसके परिवार के साथ धर्मांतरण, यातनाएं देकर हत्या, वो भी जाट। जो दो ही चीज में विश्वास रखते हैं, शरीर बनाने में, एक युद्ध करने में। गोकुल की घटना ने जाटों को उद्वेलित कर दिया, बहुत बुरी तरह उद्वेलित कर दिया, बुरी तरह। 1685 में राजा राम ने फिर विद्रोह का बिगुल बजा दिया और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए 1685 औरंगजेब दक्कन में है, दिल्ली में नहीं है, वापस आया भी नहीं। 1685 राजा राम, और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए जाटों ने सिकंदरा के मकबरे पे हमला किया, अकबर के मकबरे पे, कब्र खोद ली, जो कुछ दो चार हड्डी वड्डी बची थी अकबर की उसको निकाल के ले आके जला दिए कि चढ़ाएंगे तुमको, किसी को टकला कह दो और प्रतिक्रिया कर दे तो वो जिंदगी भर टकला कहा जाएगा। जाटों को पता चल गया, इसने कछवाहार शासक बिशन सिंह को मथुरा का बना दिया कि आप मथुरा, मथुरा के फौजदार, जाटों को उससे निपटने के लिए राजपूतों का लगा दिया। राजा राम के बाद चूरामन, चूरामन और बदन सिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अराजकता बढ़ी उसका फायदा उठाया और इंडिपेंडेंट भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी। औरंग शाहजहां ने समस्या क्रिएट किया, इसने उन सारी समस्याओं को बढ़ा दिया, सिख बढ़ा दिया, जाट बढ़ा दिया, मराठा बढ़ा दिया। उसकी वजह क्या है? ये भावुक हो जाता है, ये धार्मिक हो जाता है, ये मुसलमान बन जाता है। चपरासी मुसलमान बन जाए, क्लर्क मुसलमान बन जाए, समझ में आता है, राजा राजा अगर हिंदू या मुसलमान बनेगा तो भारत जैसे राज्य में वो कभी सफल नहीं होगा। अगर भारत का राजा ये सोचेगा कि मैं हिंदू हूं और ये अपराधी जो हिंदू हैं ये सब हमारे भाई हैं, ये देश कभी नहीं चलेगा।
अपराधी अपराधी है। जैसे राजा राजा है, ना वो किसी जाति का है ना वो किसी धर्म का है, ऐसे अपराधी भी अपराधी है, ना वो किसी जाति का है ना वो किसी धर्म का है। बैंक का क्लर्क कहे मैं मुसलमान हूं तो क्या फर्क पड़ता है, बैंक का क्लर्क कहे मैं हिंदू हूं तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हिसाब में घटा बढ़ा दोगे हिंदू मुसलमान होने के नाते। लेकिन शहर का अगर एसएसपी कह दे कि मैं हिंदू, प्रदेश का सीएम अगर कह दे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, देश का राजा यदि कह दे मैं हिंदू, वो भारत जैसे देश में विभिन्नतावादी मुल्क में धार्मिक नीति ने उन्माद को बढ़ा दिया, राजपूत नीति ने तनाव को बढ़ा दिया। सिखों की नीति ने तनाव के दायरे को बढ़ा दिया, जाटों की नीति ने तनाव का तो घेरा ही बढ़ता चला गया। और फिर अफगान समस्या, रोशनाई मूवमेंट अफगान में, अफगानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना करने का सपना, भागू का विद्रोह। अब ये जाट मराठा बुंदेला सिख मराठा, ये तो तुम कह सकते हो कि हिंदू थे इसलिए औरंगजेब से नफरत करते थे अफगानी। अफगानिस्तान में एक रोशनाई आंदोलन चल रहा था जिसका उद्देश्य था इथिकल वैल्यूज पर आधारित लाइफ और एक पीर की भूमिका और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो जो विद्रोह की शुरुआत हुई औरंग शाहजहां के काल में, औरंगजेब ने सबका दायरा बढ़ा दिया, सबका दायरा ही बढ़ाया और स्वरूप भी बढ़ाया। शाहजहां के काल में जो विद्रोह है वो इंटरेस्ट को लेकर है। गौर करिए, जो बुंदेला विद्रोह है, जाट विद्रोह है, मराठा विद्रोह, इंटरेस्ट को लेकर है। लेकिन औरंगजेब के काल में जो विद्रोह है वो आइडेंटिटी को लेकर है। ये बहुत बड़ा फर्क है। शाहजहां के काल के जो विद्रोह है वो इंटरेस्ट है कि यार तुम उनसे ज्यादा पैसा मांग रहे हो, नहीं देंगे। लेकिन औरंगजेब के काल के जो विद्रोह हैं वो आइडेंटिटी को लेकर है, जाट आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी, अफगान आइडेंटिटी। और ये मुगल वंश पर बहुत भारी पड़ा क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद ये आइडेंटिटी इतनी मजबूत, सम्राट कमजोर और आइडेंटिटी मजबूत, यही तो हुआ औरंगजेब के मरने के बाद। मुगल सम्राट कमजोर और क्षेत्रीय आइडेंटिटीयां मजबूत। तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिखर गया, खत्म। यह समझना है औरंगजेब को पढ़ते वक्त कि वो जो इंटरेस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी वो आइडेंटिटी में परिवर्तित हो गई औरंगजेब की कदमों की वजह से। जाटों ने सोचा ये शासक नहीं है, ये मुसलमान है। वो जो औरंगजेब के दुश्मन थे वो अपने लोगों को भड़काने में सफल हो गए इसकी हरकतों की वजह से। भाई गोकुल ने टैक्स नहीं दिया था, उसको तुम बंद कर देते। किसी और जाट नेता को वहां का जमींदार बना देते। लेकिन जब तुमने गोकुल को हत्या की, उसके परिवार को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, तब जाटों के बीच मैसेज क्या गया कि ये देखो इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। ये गलती कर गया औरंगजेब। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट की लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई बन गई औरंगजेब की नीतियों की वजह से। और वो आइडेंटिटी की लड़ाई इतनी मजबूत होती चली गई कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय राजवंश पैदा हो गए। समझिएगा, यही कमी है औरंगजेब की। फिर विद्रोह के साथ साथ दूसरी घटना औरंगजेब के काल की, जागीरदारी संकट। जैसे आज सबको यूपी कैडर चाहिए, पंजाब कैडर चाहिए, महाराष्ट्र कैडर चाहिए, गुजरात कैडर चाहिए, बिहार कैडर में कौन जाएगा, नागालैंड कैडर में कौन जाएगा। औरंगजेब के काल तक पहुंचते पहुंचते मनसबदारों की संख्या बढ़ गई और बड़े मनसबदारों की पेमेंट जागीर के रूप में होती थी और सबको जागीर चाहिए था यूपी बिहार
क्रीम पोस्टिंग, जिसको आज आईएएस लॉबी कहती है क्रीम पोस्टिंग, क्रीम पोस्टिंग चाहिए भैया, मलाईदार पोस्टिंग, सबको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए थी। तो जागीरदारी संकट पर काफी खान ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया, एक अनार सौ बीमार। बस वही मनसबदार और जागीरदार आपसी षड्यंत्रों की को प्रोत्साहन, आपसी षड्यंत्र। अब जिसका जिसका दक्कन में जागीर थी, जो वहां पैसा वसूल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अंदर ही अंदर मराठों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा वेतन भिजवा दो, बाकी तुम ऐसी तैसी कट डालो। औरंगजेब जिनकी जागीर मथुरा के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर जाटों से समझौता कर लिया। जिनकी जागीर पंजाब के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर पंजाबी विद्रोहियों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा पैसा भिजवा दो, बाकी तुम जो चाहो करो औरंगजेब के साथ। विद्रोह बढ़ते चले गए, जागीरदारी संकट खड़ा हो गया, आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि इसको खालिसा भूमि में वृद्धि करनी पड़ी। खालिसा भूमि, वो भूमि जहां का रेवेन्यू सीधे ट्रेजरी में आता है। जब खालिसा भूमि बढ़ेगी, जागीरदारी भूमि कम हो जाएगी। दीवाने आम दीवाने खास की जो रेलिंगें सोने की लगी थी, उतरवानी पड़ी सब इसको। और दक्कन में तो इसने जो किया, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अभी तो इसका एक गुनाह मैं आपको सुनाऊंगा। आप भले ही कभी स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन आप औरंगजेब को माफ नहीं करेंगे। आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, कहते घर फूंक के तमाशा देखोगे। दीवाने आम दीवाने खास की जो स्टाइलें थी सोने वोने की, सब निकाल ली गई लड़ाई में। इतना खर्चा, इतना पैसा, सोलह सो अस्सी इसका बेटा अकबर, जब राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो भगा दक्कन की तरफ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, संभाजी गद्दी पर बैठे, शिवाजी के बेटे, और संभाजी ने अकबर को शरण दे दी कि आओ हम तुम्हारे बाप से बहुत पहले से लड़ते रहे, आओ हमारे यहां। और जब अकबर को, औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी के बेटे संभाजी ने मेरे बेटे को शरण दिया, फिर तो उसको बहुत क्रोध आया। वो टेंशन में तो था ही, इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज राज्य के अंदर राज्य पैदा हो गया था, शिवाजी ने राज्य के अंदर राज्य पैदा कर दिया, मराठा स्वराज। शिवाजी की कहानी सुनाऊंगा एक एपिसोड में आपको। मराठा स्वराज, औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द, राज्य के अंदर राज्य, कि अपने क्षेत्र के आप राजा हैं, कोई सीएम नहीं। तो सीएम को दर्द नहीं होगा? औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द छत्रपति शिवाजी। कहानी सुनाऊंगा उसकी, छत्रपति शिवाजी। अकबर का पीछा करते करते ये 1680 में दक्कन पहुंच गया, और वहां इसको पता चला कि मराठों की ढाल कौन है, ये बीजापुर गोलकुंडा। इसने कहा पहले इन्हीं को मिटा डालो, यही पीठ पीछे मराठों की मदद करते हैं, खत्म कर दो इनको। तो 86-87 में उसने बीजापुर गोलकुंडा दोनों को खत्म कर दिया। अब बचा मराठा। 1689 में संग्रामेश्वर में इसने संभाजी को पकड़ लिया। कुछ घटना घटी, संभाजी ने इसको कुछ चुनौती दी, इसने संभाजी की हत्या करवा दी 1689 में। अब सुनना, अब बड़ी मजेदार बात, अब नहीं माफ कर पाओगे औरंगजेब को, और करना भी मत। बेवकूफी की मोहब्बत और बेवकूफी की दुश्मनी, दोनों का अंत विनाश है। बेवकूफी की मोहब्बत, भैया तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, जबरदस्ती है।
शाहरुख खान साहब ने पिक्चर और बनाई है अंजाम, माधुरी दीक्षित जो है चाय में मिर्ची डाल देती भर भर के, उसको पी जाते, कहते एक कप और लाओ। मूवी तो आमिर खान बनाते हैं जो समाज को एक संदेश देती है। थ्री इडियट बहुत पसंद है मुझे वो मूवी बहुत, हालांकि मैं आमिर खान जी से मिला नहीं हूं। कलाकार दोनों बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान जी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आमिर खान की जो मूवियां हैं उनका जो उद्देश्य है, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, एक मूवी उन्होंने भी बनाई थी मैं समझ नहीं पाया उन्होंने क्यों बनाई, गजनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आमिर खान नहीं नहीं, फिर मैं लगा कि यार दौरे सबको पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ते हैं कभी कभी, हो सकता है इनको भी पढ़ गया हो, लेकिन उनकी मूवी है थ्री इडियट मुझे बहुत पसंद है बहुत। मतलब क्या टारगेट किया है हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को कि टीचर जो है, टीचर डीन, वो अपने स्टूडेंट से अपना ईगो लगा रहा है, उसको वो जिद करता है, उसका नाम क्या है, वीरू सहस्त्र बुद्धि, हजारों तरह हजारों बुद्धि जिसके अंदर हो, वो अपने स्टूडेंट से ईगो लगा रहा है, कह रहा है मैं इसे फेल करूंगा, कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। टीचर अपने स्टूडेंट से ईगो लगाएगा, आज के टीचरों का यही हाल है बहुत सारे। वो चतुर्लिंगम, उसको टॉप करना है किसी भी कीमत पर, दूसरे स्टूडेंट के कमरों में ब्लू किताबें डालता है वो कि ये डिस्टर्ब हो जाएं, देखो बदतमीजी उसकी, जैसा मास्टर वैसे उसका चेला। लेकिन जो आदमी जागृत है, होश में है, वो अपने डीन की भी मूछ मुड़वा देगा। यही तो हुआ, बड़ी प्यारी मूवी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं इस मंच से इस तरह का संदेश देने के लिए। ईगो, राजा का अंदर ईगो, स्वाभिमान होना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसा आत्म स्वाभिमान, ईगो नहीं। अब तुमने क्या किया, 1689 में इसने संभाजी को पकड़ लिया, हत्या कर दी। अब चेस के खेल में और मोनार्की में अगर राजा गायब हो जाए तो खेल खत्म। जो चेस का खेल है अगर उसमें बोर्ड पर से आप अगर राजा को हटा दें तो खेल होगा ही नहीं, सारा खेल राजा के चारों तरफ केंद्रित है। अब 1689 में तुमने संभाजी को मार दिया, राजा ही नहीं। गौर करिए, आंख बंद करके सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, राजा ही नहीं, चेस के बोर्ड पे राजा ही नहीं। कह रहा हम खेलेंगे, लोगों ने कहा भैया राजा नहीं है, बोले तब भी खेलेंगे, हम प्यादा को मारेंगे, बोले भैया ये खेल का नियम नहीं, बोले हम बना रहे ना। अरे तुम शिवाजी के परिवार से किसी को लेते और उसका राज्याभिषेक कर देते, मराठा स्वराज को मान्यता दे देते, तुम्हारा सारा कष्ट ही खत्म हो जाता जो अंग्रेजों ने किया। तुम जानते हो वो टफ टेरेन है, वहां तुम नहीं लड़ सकते हो, कोई नहीं जीता आज तक, फिर भी 1689 से 1705 मराठों ने इसको बैडमिंटन की चिड़िया बना दिया। ये दक्षिण जाता था वो उत्तर से पत्थर मारते थे, ये उत्तर भागता था वो पूरब से पत्थर मारते थे, ये पूरब भागता था वो दक्षिण। 16 साल उसको ऐसे नचाते रहे मैरी गो राउंड। राजा है ही नहीं, राजा है ही नहीं, तुम पब्लिक से लड़ रहे हो, जनता से। राजा होता कम से कम उससे जुर्माना तो ले लेते तुम, उससे पैसा तो ले लेते, उस पे फाइन तो लगा देते। तुम्हारा लोटा बिक रहा है, थरिया बिक रहा है, गिलास बिक रहा है, चम्मच बिक रहा है, तुमको हो, तुम बस कि अरे हमारी औरंगजेब की बेइज्जती। कद बढ़ाओ, कद
अहंकार मत बढ़ाओ, सीखो औरंगजेब से। इतनी बड़ी गलती, जनता से लड़ रहा है, फिर लोग समझ गए कि अरे भैया, इसके बहुत सारे सरदारों ने अंदर ही अंदर मराठाओं से हाथ मिला लिया कि जाओ। औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है, निश्चित तौर पर बदनाम है, क्योंकि उसको बदनाम किस आधार पे किया गया? इनको सताया, हिंदुओं को सताया। मैंने तो इतनी कहानी उसकी पढ़ी, सुनी भी, कि भैया वो 10,000 हिंदुओं को मारकर खाना खाता था, कि पर डे 10,000 हिंदू मारता था तब खाना खाता था। पर डे? हाँ भैया, साल में 365 दिन होते हैं, 50 साल उसने शासन किया। सबसे ज्यादा मनसबदार उसके राजपूत, मराठा, सबसे ज्यादा मराठा, राजपूत भी है, सबसे ज्यादा मनसबदार मराठा। मराठा और राजपूत मनसबदारों के सामने वो देश के सारे मंदिर गिरा देगा और ये लोग देखेंगे। भैया जिस मजार पे जाता था उसको सलाम करता था, अगर उधर से सलाम का जवाब नहीं आता था तो खुदवा देता था उसको। इस देश के आदमी की आदत है मसाला पैदा करना, कोई कांड हो जाएगा वो मसाला पैदा करेगी। भैया इलाहाबाद का जो शूट आउट हुआ था तो जो बिडेन ने उसके लिए ऑर्डर दिया था, लो अमेरिका का राष्ट्रपति था भैया। कितनी कहानियां लोग सुनाते हैं, अरे भाई एक कांड हो गया है, अब सरकार खोज करेगी, सरकारी एजेंसी जांच करेंगे, हो गया हो गया। लेकिन अगर आप एक कांड की चर्चा सुने, इलाहाबाद में अतीक कांड हुआ, तो उसकी अगर आप चर्चा सुने तो हर आदमी ऐसा लाइव टेलीकास्ट आपको बताएगा। हर आदमी, जितने आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करिए, 4 आदमी से अतीक कांड के बारे में चर्चा करिए और फिर सुनिए कौन आदमी किस तरह बता रहा है। कोई इन्वॉल्व हो जाए, भैया तड़ातड़ गोली मार रहा था भैया, भैया तड़तड़ आवाज आ रही थी भैया, ऐसा फील करके आपको सुनाएगा, भैया ऐसा हुआ था, भैया वैसा हुआ था, भैया ये हुआ था। आदत है इस देश की, ये इस देश की आदत है, इतनी बात को इतना बड़ा के बताना। और लाइव बदनाम तो ये है, नो डाउट कि बदनाम नहीं, बदनाम है, लेकिन बदनाम होने के साथ साथ इसके अंदर समय की समझ नहीं है। पी इज इक्वल टू पी, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। इंटरेस्ट की लड़ाई को इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया, ये इसका गुनाह है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इसके बाद के शासकों को, इसका सबसे बड़ा गुनाह। इंटरेस्ट की लड़ाई जो शाहजहां के काल से शुरू हुई, उसने इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया, और वो इतनी गहरी हो गई कि जाट राज्य की स्थापना हो गई, मराठा राज्य और मजबूत हो गया, सिख राज्य की स्थापना हो गई, धार्मिक उन्माद को बढ़ा दिया इसने, धार्मिक उन्माद को। उद्देश्य कुछ भी रहा हो, ठीक है, मथुरा के मंदिर में जाट विद्रोही छिपे हुए थे, कुछ भी रहा हो, तुम तो राजा हो, तुम तो सोच सकते हो कि इस मुद्दे पे मुझे बदनाम किया जा सकता है। लेकिन तुमको लगा कि बवका अच्छा मिल गया, तुम घिरे हुए 4 लोगों से, वो कह रहे सरकार इस्लामिक इतिहास के नायक बन जाएंगे आप, इस्लामिक इतिहास के नायक बनने के चक्कर में आपका वंश चला गया। और ऐसा ही नहीं कि इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई, सूफी सरमद, कभी आप दिल्ली जाएं जामा मस्जिद, वहीं पे उनकी मजार है फूलों वाली, सूफी सरमद। इस व्यक्ति को अपने समय की पकड़ नहीं है और इस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस नहीं है और इस व्यक्ति से नफरत नहीं की जा सकती, इस व्यक्ति से सीखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा केस है किसी भी विद्यार्थी के लिए, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1556
कुछ भी नहीं है पीछे, अकबर निर्माण करता है। 1656 सब कुछ है पीछे। औरंगजेब विध्वंस करता है। जब भी नायक चुने, जब भी आदर्श चुने, बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि आपका आदर्श आपका भविष्य होता है। भावुकता में नायक ना चुने। अब आपने डॉक्टर अंबेडकर को नायक चुन लिया, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो भी करें, शिक्षा इतना पढ़ें कि अंबेडकर जितना पढ़े हैं कम से कम उसका 20% आप भी पढ़ें। अगर आप अंबेडकर को प्यार करते हैं और अंबेडकर के पास अगर 40 डिग्री है तो 15 आपके पास भी होनी चाहिए। देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। वो आर्थिक संकट और विद्रोह जिसकी नींव रखी शाहजहां ने, मुगल साम्राज्य में छेद किसने किया? शाहजहां ने। उस छेद को गड्ढा बना दिया। किसने? औरंगजेब ने। और उस गड्ढे को झील में परिवर्तित कर दिया बहादुर शाह वन ने, और उसी झील में मुगल साम्राज्य समा गया। यही है शिक्षा का उद्देश्य, समझ का विकास करना। किसी समय इकबाल साहब ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, शिक्षा नहीं सिखाती आपस में वैर करना, क्योंकि समझ का विकास करेगी। और अगर शिक्षा सिखा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा डरा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा निराश कर रही है वो शिक्षा है ही नहीं। 80% से ज्यादा आज भारत में लोग शिक्षित हैं और उसमें से 70% डिप्रेशन का शिकार है। क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का? क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का जब 80% शिक्षित में 70% डिप्रेशन का शिकार है? तो उस शिक्षा का क्या फायदा हुआ? 70% डिप्रेशन और 60% नशेड़ी। कहीं नहीं खा रहे, कह रहे बुद्धिवर्धक चूर्ण है। कह रहे बुद्धिवर्धक चूर्ण है। कह रहे कंसंट्रेशन बढ़ता है कहीं नहीं खाने से, दिमाग तेज होता है। तब तो हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी को आइंस्टीन होना चाहिए। दिन में 40 बार खा रहे हो और दिमाग कुंद होता जा रहा है। पैंट पहने हो चारों तरफ से फटा है, कह रहे हो फैशन है। शरीर में जान है ही नहीं, 15 किलो वेट है, हवा चले तो तुम्हारा स्टेट चेंज हो जाए। और तुम कॉम्प्लान खा रहे हो, कह रहे हो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। और तुम बाथरूम में घुसे छिपकली सामने पड़ गई, तुम बेहोश हो गए। तुम कभी सोचते हो इन बातों को? आज के भारत में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था, समझ का विकास, उसमें शिक्षा फेल कर गई। और यही आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसलिए जिस दिन भी भारत के महानता की दास्तां शुरू होगी, उसकी पहले पत्थर की भूमिका अदा करेगा शिक्षा में सुधार। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कहानी जारी है, लेकिन एक पूरा जो ढांचा है औरंगजेब का, उसको आप जरूर पढ़िए। और मेरी मानिए तो काफी खान को पढ़िए,
उनके टाइम का सबसे ऑथेंटिक राइटर है काफी खान, उसको जरूर पढ़िए। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत रुचि है उस आदमी के बारे में जानने की, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, आप जेल मेहता को पढ़ लीजिए। आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। औरंगजेब बेसिकली अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हैं जो अपने समय को, अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा 20 साल की उम्र में कहते हैं, सर बड़ी चिंता हो रही है, नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे। 20 साल की उम्र में 50 का आदमी अगर ये बात कहे तो समझ में आता है। 20 सबसे पहले आर्थिक स्थिरता का प्रयास करिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रयास करना चाहिए। आप बाहर जाएंगे, किसी से कहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार आपकी कोई मदद करेगा, वो एक बार जो मदद आपकी करने वाला है उससे कुछ ऐसी मदद लीजिए कि दोबारा आपको किसी से कुछ ना मांगना पड़े। कुछ स्किल सीख लीजिए। आज की डेट में हर जेब में मोबाइल है, आज की डेट में हर घर में कंप्यूटर है। बीस साल की उम्र में आप ये मत सोचिए पैसा कहां से आएगा, 20 साल की उम्र में आप ये सोचिए कि आर्थिक स्थिरता कैसे बना लें। अगर 20,000 रुपए महीने की आर्थिक स्थिरता बन रही है, इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर लीजिए। अगर 40,000 रुपए की बन गई है, दिल्ली में रहकर पढ़ लीजिए। 20 साल की उम्र में सबसे पहला विचार यही होना चाहिए कि मेरे पास आय का सोर्स क्या है। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वहां से सोर्स बना लीजिए, कुछ करिए, अपनी परिस्थिति को समझिए। और 22 साल में अगर आर्थिक स्थिति आपकी बनती है तो अगला 8 साल पड़ा है अपने जीवन को संवारने का। रोटी और कपड़ा अगर चुनौती बन जाए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। औरंगजेब से यह सीखना है, अपनी परिस्थिति को समझना है, अपने समय को समझना है, अपनी प्राथमिकता को समझना है। पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है, यही तो काम है शिक्षा का। औरंगजेब पढ़ाकर क्या फायदा होगा? पहला फायदा, विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, मुल्क में किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वभाव को राज्य के नियम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। यही सब तो सीख रहे हो। राजा के लिए ईगो माने नहीं रखता। भरवाड़ का केस, एक इसकी घटना सुनाता हूं। सतनामी विद्रोह 1672 नारनौल, मथुरा से आगे नारनौल एक जगह पड़ती है, वहां पे एक समुदाय रहता था सतनामी। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सारा नाम यूज करते थे भगवान के लिए। बड़ा सेकुलर संप्रदाय था वो। बाल सेव करते थे, आग की भौ सेव कर लेते थे, पूरा क्लीन सेव रहते थे, भौ वो सब सेव कर लेते थे। अब आप सोच के देखो, किसी आदमी ने अपना भौ सेव कर रखा है, बाल तो सेव ठीक है, बुद्ध के भी बाल सेव है, क्लीन सेव है, लेकिन भौ, ये आईब्रोज, इसको भी सेव कर लिया। अब किसी मुगल सिपाही की सतनामी पे निगाह पड़ी, उसने हंस दिया, हंसी आ गई, तो सतनामी सिपाही ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। अब जब उसने बोला तो मुगल सिपाही ने उठा के एक डंडा मार दिया सर पे। कितनी छोटी सी घटना है, कितनी सामान्य सी घटना है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के एक सिपाही ने किसी को एक तमाचा मार दिया। अब सीओ क्या करेगा? अब भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग पुलिस के खिलाफ बोलने लगे, सीओ क्या करेगा? सीओ आकर उस सिपाही को रेप्रिमेंड करेगा। पहला काम, डांटेगा, फटकारेगा।
पब्लिक नहीं मान रही है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गया मुद्दा, मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन सतनामी का ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर औरंगजेब ने खुद एक्शन लिया। जब सतनामी खड़े हुए मुगलों के विरुद्ध, औरंगजेब खुद सतनामी झंडा लेकर आए थे, सो मंत्र अंतर लिखा हुआ था, यह भी झंडा लेकर आया था, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। सम्राट हो तुम, सम्राट हो किसी छोटे मोटे राज्य के नहीं, हिंदुस्तान के। कितना छोटा मामला है, सिपाही का मामला। मतलब जो इसके अगल बगल लोग थे वो मान लिए कि शहंशाह डिस्टर्ब है, दक्कन का मामला, बीजापुर, गोलकुंडा, वहां इसके बेटे ने इसको एक राय दी चालम ने कि अब्बा हम क्यों लड़े जाके नीचे, हम अपनी ऊर्जा अपना पैसा क्यों बहाएं। औरंगजेब ने कहा फिर, बोले फिर क्या करना, क्या है, हम मराठों को फंड करेंगे, यहां से पैसा भेजेंगे, मराठा लड़ेंगे हमारे लिए, और जब मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तब हम मराठा को खत्म कर देंगे और हमारा दक्कन और दक्षिण भारत पर कब्जा। कितनी बढ़िया राय है, कितनी बढ़िया राय है। बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला वो एक बच्ची की वजह से मिला। निरंजना नदी के किनारे सूखे बैठे हुए हैं, एक बच्ची, सुना बुद्ध ने उसकी बात को, बच्ची की। हसन बसरी बाजार में जा रहे थे, बहुत बड़े संत महात्मा, अल्लाह को ढूंढ रहे थे, अरहत होने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को आलिम समझते थे। एक बच्चा चिराग लिए जा रहा था, उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा ये चिराग आपने जलाया, उसने कहा हां, कहा इसमें रोशनी कहां से आई। उस बच्चे ने कहा एक काम करिए, आप इसको बुझा दिए तो मैं बताऊं। इन्होंने बुझा दिया तो उस बच्चे ने हसन बसरी से कहा कि चाचा ये चिराग आपने बुझाया। इन्होंने कहा हां, बोले बताओ कहां गई, तुम बता दोगे कहां कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। हसन बसरी ने लिखा है कि एक बच्चे ने मुझे औकात याद दिला दी। किसी को सर्वज्ञानी नहीं बनना चाहिए। सतनामी इसका एक कितना बढ़िया राय दिया इसका। उस बेटे को 12 साल जेल में रखा। मारवाड़ और मेवाड़ की जब समस्या चल रही थी, इसका बेटा अकबर, उसने समझाया औरंगजेब को कि अब्बा ये आपके फ्री के शूटर हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने, इनसे काय लड़ रहे हो। वो अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। अकबर अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। औरंगजेब को छल का सहारा लेना पड़ा, राजपूत के कैंप में फर्जी चिट्ठियां डालनी पड़ी अकबर के नाम पर कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम राजपूतों से जाके मिल गए, तुम इनको हमारे पास ले आए, हम दोनों बाप बेटे मिलकर राजपूतों को मारेंगे। यह आदमी मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह आदमी ईमानदार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यह आदमी धार्मिक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ईमानदारी, धार्मिकता और मेहनत अच्छी है, लेकिन राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए जो चुनौतियों से निपटे, चुनौतियां बढ़ाए नहीं। इस व्यक्ति ने तो सारी चुनौतियां ही बढ़ा दी। वो चुनौतियां पैदा किसने की, शाहजहां ने। इसने क्या किया, चुनौतियां बढ़ा दी। जाट
विद्रोह 1669 गोकुल, क्या बुरा व्यवहार किया गया उसके और उसके परिवार के साथ। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, भूमिकर का मामला है, नहीं दे रहे हैं, उसको समझाइए, बात करिए, निगोशिएशन करिए, डायलॉग खोलिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका दक्कन में समस्या बढ़ गई है, शिवाजी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, लेकिन इतना बुरा व्यवहार, उस गोकुल के परिवार को आप आगरा बुलाकर और उसके परिवार के साथ धर्मांतरण, यातनाएं देकर हत्या, वो भी जाट। जो दो ही चीज में विश्वास रखते हैं, शरीर बनाने में, एक युद्ध करने में। गोकुल की घटना ने जाटों को उद्वेलित कर दिया, बहुत बुरी तरह उद्वेलित कर दिया, बुरी तरह। 1685 में राजा राम ने फिर विद्रोह का बिगुल बजा दिया और औरंगजेब को चढ़ाने के लिए 1685 औरंगजेब दक्कन में है, दिल्ली में नहीं है, वापस आया भी नहीं। 1685 राजा राम और औरंगजेब को चढ़ाने के लिए जाटों ने सिकंदरा के मकबरे पे हमला किया, अकबर के मकबरे पे कब्र खोद ली, जो कुछ दो चार हड्डी वड्डी बची थी अकबर की उसको निकाल के ले आके जला दिए कि चढ़ाएंगे तुमको, किसी को टकला कह दो और प्रतिक्रिया कर दे तो वो जिंदगी भर टकला कहा जाएगा। जाटों को पता चल गया इसने कछवाहार शासक बिशन सिंह को मथुरा का बना दिया कि आप मथुरा के फौजदार, जाटों को उससे निपटने के लिए राजपूतों को लगा दिया। और राजा राम के बाद चूरामन बदन सिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अराजकता बढ़ी उसका फायदा उठाया और इंडिपेंडेंट भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी। औरंग शाहजहां ने समस्या क्रिएट किया, इसने उन सारी समस्याओं को बढ़ा दिया, सिख बढ़ा दिया, जाट बढ़ा दिया, मराठा बढ़ा दिया। उसकी वजह क्या है? ये भावुक हो जाता है, ये धार्मिक हो जाता है, ये मुसलमान बन जाता है। अब चपरासी मुसलमान बन जाए, क्लर्क मुसलमान बन जाए, समझ में आता है, राजा राजा अगर हिंदू या मुसलमान बनेगा तो भारत जैसे राज्य में वो कभी सफल नहीं होगा। अगर भारत का राजा ये सोचेगा कि मैं हिंदू हूं और ये अपराधी जो हिंदू हैं ये सब हमारे भाई हैं, ये देश कभी नहीं चलेगा। अपराधी अपराधी हैं, जैसे राजा राजा है, ना वो किसी जाति का है ना वो किसी धर्म का है, ऐसे अपराधी भी अपराधी है, ना वो किसी जाति का है ना वो किसी धर्म का है। बैंक का क्लर्क कहे मैं मुसलमान हूं तो क्या फर्क पड़ता है, बैंक का क्लर्क कहे मैं हिंदू हूं तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हिसाब में घटा बढ़ा दोगे हिंदू मुसलमान होने के नाते। लेकिन शहर का अगर एसएसपी कह दे कि मैं हिंदू हूं, प्रदेश का सीएम अगर कह दे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, देश का राजा यदि कह दे मैं हिंदू हूं, वो भारत जैसे देश में विभिन्नतावादी मुल्क में धार्मिक नीति ने उन्माद को बढ़ा दिया, राजपूत नीति ने तनाव को बढ़ा दिया। सिखों की नीति ने तनाव के दायरे को बढ़ा दिया, जाटों की नीति ने तनाव का तो घेरा ही बढ़ता चला गया। और फिर अफगान समस्या, रोशनाई मूवमेंट अफगान में, अफगानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना करने का सपना, भागु का विद्रोह। अब ये जाट मराठा बुंदेला सिख मराठा, ये तो तुम कह सकते हो कि हिंदू थे इसलिए औरंगजेब से नफरत करते थे, अफगानी, अफगानिस्तान में एक रोशनाई आंदोलन चल रहा था जिसका उद्देश्य था इथिकल वैल्यूज पर आधारित लाइफ और एक पीर की भूमिका और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो जो विद्रोह की शुरुआत हुई औरंग शाहजहां के काल में
औरंगजेब ने सबका दायरा बढ़ा दिया, सबका दायरा ही बढ़ाया और स्वरूप भी बढ़ाया। शाहजहां के काल में जो विद्रोह है वो इंटरेस्ट को लेकर है। गौर करिए, जो बुंदेला विद्रोह है, जाट विद्रोह है, मराठा विद्रोह, इंटरेस्ट को लेकर है। लेकिन औरंगजेब के काल में जो विद्रोह है वो आइडेंटिटी को लेकर है। ये बहुत बड़ा फर्क है। शाहजहां के काल के जो विद्रोह हैं वो इंटरेस्ट है कि यार तुम हमसे ज्यादा पैसा मांग रहे हो, नहीं देंगे। लेकिन औरंगजेब के काल के जो विद्रोह हैं वो आइडेंटिटी को लेकर है। जाट आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी, अफगान आइडेंटिटी, और ये मुगल वंश पर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद ये आइडेंटिटी इतनी मजबूत, सम्राट कमजोर और आइडेंटिटी मजबूत, यही तो हुआ औरंगजेब के मरने के बाद। मुगल सम्राट कमजोर और क्षेत्रीय आइडेंटिटियां मजबूत, तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिखर गया, खत्म। यह समझना है औरंगजेब को पढ़ते वक्त कि वो जो इंटरेस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी वो आइडेंटिटी में परिवर्तित हो गई औरंगजेब के कदमों की वजह से। जाटों ने सोचा ये शासक नहीं है, ये मुसलमान है। वो जो औरंगजेब के दुश्मन थे वो अपने लोगों को भड़काने में सफल हो गए इसकी हरकतों की वजह से। भाई गोकुल ने टैक्स नहीं दिया था, उसको तुम बंद कर देते। किसी और जाट नेता को वहां का जमींदार बना देते। लेकिन जब तुमने गोकुल को हत्या की, उसके परिवार को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, तब जाटों के बीच मैसेज क्या गया कि ये देखो इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। ये गलती कर गया औरंगजेब। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट की लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई बन गई औरंगजेब की नीतियों की वजह से, और वो आइडेंटिटी की लड़ाई इतनी मजबूत होती चली गई कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय राजवंश पैदा हो गए। समझिएगा, यही कमी है औरंगजेब की। फिर विद्रोह के साथ साथ दूसरी घटना औरंगजेब के काल की, जागीरदारी संकट। जैसे आज सबको यूपी कैडर चाहिए, पंजाब कैडर चाहिए, महाराष्ट्र कैडर चाहिए, गुजरात कैडर चाहिए, बिहार कैडर में कौन जाएगा, नागालैंड कैडर में कौन जाएगा। औरंगजेब के काल तक पहुंचते पहुंचते मनसबदारों की संख्या बढ़ गई और बड़े मनसबदारों की पेमेंट जागीर के रूप में होती थी और सबको जागीर चाहिए था यूपी बिहार, क्रीम पोस्टिंग, जिसको आज आईएएस लॉबी कहती है, क्रीम पोस्टिंग, क्रीम पोस्टिंग चाहिए भैया, मलाईदार पोस्टिंग, सबको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए थी। तो जागीरदारी संकट पर काफी खान ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया, एक अनार सौ बीमार। बस वही मनसबदार और जागीरदार आपसी षड्यंत्रों की को प्रोत्साहन, आपसी षड्यंत्र। अब जिसका दक्कन में जागीर थी, जो वहां पैसा वसूल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अंदर ही अंदर मराठों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा वेतन भिजवा दो, बाकी तुम ऐसी तैसी कट डालो औरंगजेब। जिनकी जागीर मथुरा के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर जाटों से समझौता कर लिया। जिनकी जागीर पंजाब के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर पंजाबी विद्रोहियों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा पैसा भिजवा दो, बाकी तुम जो चाहो करो औरंगजेब के साथ। विद्रोह बढ़ते चले गए, जागीरदारी संकट खड़ा हो गया, आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि इसको खालिसा भूमि में वृद्धि करनी पड़ी। खालिसा भूमि, वो भूमि जहां का रेवेन्यू सीधे ट्रेजरी में आता है। जब खालिसा भूमि बढ़ेगी, जागीरदारी भूमि कम हो जाएगी। दीवाने आम, दीवाने खास की जो रेलिंगें सोने की लगी थी, उतरवानी पड़ी सब इसको।
और दक्कन में तो इसने जो किया इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अभी तो इसका एक गुनाह मैं आपको सुनाऊंगा, आप भले ही कभी स्कूल नहीं गए होंगे लेकिन आप औरंगजेब को माफ नहीं करेंगे। आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, कहते घर फूंक के तमाशा देखोगे, दीवाने आम दीवाने खास की जो स्टाइलें थी सोने वोने की सब निकाल ली गई लड़ाई में, इतना खर्चा, इतना पैसा। सोलह इसका बेटा अकबर जब राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो भगा दक्कन की तरफ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, संभाजी गद्दी पर बैठे, शिवाजी के बेटे, और संभाजी ने अकबर को शरण दे दी कि आओ हम तुम्हारे बाप से बहुत पहले से लड़ते रहे, आओ हमारे यहां। और जब अकबर को, औरंगजेब को पता चला कि शिवाजी के बेटे संभाजी ने मेरे बेटे को शरण दिया, फिर तो उसको बहुत क्रोध आया। वो टेंशन में तो था ही, इंडिपेंडेंट मराठा स्वराज राज्य के अंदर राज्य पैदा हो गया था, शिवाजी ने राज्य के अंदर राज्य पैदा कर दिया, मराठा स्वराज। शिवाजी की कहानी सुनाऊंगा एक एपिसोड में आपको। मराठा स्वराज औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द, राज्य के अंदर राज्य, कि अपने क्षेत्र के आप राजा हैं, कोई सीएम नहीं, तो सीएम को दर्द नहीं होगा। औरंगजेब के जीवन का सबसे बड़ा दर्द छत्रपति शिवाजी। कहानी सुनाऊंगा उसकी, छत्रपति शिवाजी। अकबर का पीछा करते करते ये 1680 में दक्कन पहुंच गया और वहां इसको पता चला कि मराठों की ढाल कौन है, ये बीजापुर गोलकुंडा। इसने कहा पहले इन्हीं को मिटा डालो, यही पीठ पीछे मराठों की मदद करते हैं, खत्म कर दो इनको। तो 86-87 में उसने बीजापुर गोलकुंडा दोनों को खत्म कर दिया। अब बचा मराठा। 1689 में संग्रामेश्वर में इसने संभाजी को पकड़ लिया। कुछ घटना घटी, संभाजी ने इसको कुछ चुनौती दी, इसने संभाजी की हत्या करवा दी 1689 में। अब सुनना, अब बड़ी मजेदार बात, अब नहीं माफ कर पाओगे औरंगजेब को, और करना भी मत। बेवकूफी की मोहब्बत और बेवकूफी की दुश्मनी दोनों का अंत विनाश है। बेवकूफी की मोहब्बत, भैया तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, जबरदस्ती है। शाहरुख खान साहब ने पिक्चर और बनाई है अंजाम, माधुरी दीक्षित जो है चाय में मिर्ची डाल देती भर भर के, उसको पी जाते, कहते एक कप और लाओ। मूवी तो आमिर खान बनाते हैं जो समाज को एक संदेश देती है, थ्री इडियट बहुत पसंद है मुझे वो मूवी बहुत। हालांकि मैं आमिर खान जी से मिला नहीं हूं, कलाकार दोनों बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान जी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन आमिर खान की जो मूवियां हैं उनका जो उद्देश्य है, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती, एक मूवी उन्होंने भी बनाई थी, मैं समझ नहीं पाया उन्होंने क्यों बनाई, गजनी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आमिर खान, नहीं नहीं, फिर मैं लगा कि यार दौरे सबको पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ते हैं कभी कभी, हो सकता है इनको भी पढ़ गया हो, लेकिन उनकी मूवी है थ्री इडियट मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मतलब क्या टारगेट किया है हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को, कि टीचर जो है, टीचर डीन, वो अपने स्टूडेंट से अपना ईगो लगा रहा है, उसको वो जिद करता है, उसका नाम क्या है, वीरू सहस्त्र बुद्धि, हजारों तरह का, हजारों बुद्धि जिसके अंदर हो, वो अपने स्टूडेंट से ईगो लगा रहा है, कह रहा है मैं इसे फेल करूंगा, कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। टीचर अपने स्टूडेंट से ईगो लगाएगा, आज के टीचरों का यही हाल है बहुत सारे। वो चतुर्लिंगम,
उसको टॉप करना है किसी भी कीमत पर। दूसरे स्टूडेंट के कमरों में ब्लू किताबें डालता है वो, कि ये डिस्टर्ब हो जाए। देखो बदतमीजी उसकी, जैसा मास्टर वैसे उसका चेला। लेकिन जो आदमी जागृत है, होश में है, वो अपने डीन की भी मूछ मुड़वा देगा। यही तो हुआ। बड़ी प्यारी मूवी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं इस मंच से, इस तरह का संदेश देने के लिए। ईगो, राजा का अंदर ईगो, स्वाभिमान ना होना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसा आत्म स्वाभिमान, ईगो नहीं। अब तुमने क्या किया, 1689 में इसने संभाजी को पकड़ लिया, हत्या कर दी। अब चेस के खेल में और मोनार्की में अगर राजा गायब हो जाए तो खेल खत्म। जो चेस का खेल है, अगर उसमें बोर्ड पर से आप अगर राजा को हटा दे तो खेल होगा ही नहीं। सारा खेल राजा के चारों तरफ केंद्रित है। अब 1689 में तुमने संभाजी को मार दिया, राजा है ही नहीं। गौर करिए, आंख बंद करके सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, राजा है ही नहीं। चेस के बोर्ड पे राजा है ही नहीं। कह रहा हम खेलेंगे, लोगों ने कहा भैया राजा नहीं है। बोले तब भी खेलेंगे, हम प्यादा को मारेंगे। बोले भैया ये खेल का नियम नहीं। बोले हम बना रहे ना। अरे तुम शिवाजी के परिवार से किसी को लेते और उसका राज्याभिषेक कर देते, मराठा स्वराज को मान्यता दे देते, तुम्हारा सारा कष्ट ही खत्म हो जाता जो अंग्रेजों ने किया। तुम जानते हो वो टफ टेरेन है, वहां तुम नहीं लड़ सकते हो, कोई नहीं जीता आज तक। फिर भी और 1689 से 1705 मराठों ने इसको बैडमिंटन की चिड़िया बना दिया। ये दक्षिण जाता था वो उत्तर से पत्थर मारते थे, ये उत्तर भागता था वो पूरब से पत्थर मारते थे, ये पूरब भागता था वो दक्षिण। 16 साल उसको ऐसे नचाते रहे मैरी गो राउंड। राजा है ही नहीं, राजा है ही नहीं। तुम पब्लिक से लड़ रहे हो, जनता से। राजा होता कम से कम उससे जुर्माना तो ले लेते तुम, उससे पैसा तो ले लेते, उस पे फाइन तो लगा देते। तुम्हारा लोटा बिक रहा है, थरिया बिक रहा है, गिलास बिक रहा है, चम्मच बिक रहा है, तुमको हो तुम बस कि अरे हमारी औरंगजेब की बेइज्जती। कद बढ़ाओ, कद, अहंकार मत बढ़ाओ, सीखो औरंगजेब से। इतनी बड़ी गलती, जनता से लड़ रहा है। फिर लोग समझ गए कि अरे भैया, इसके बहुत सारे सरदारों ने अंदर ही अंदर मराठाओं से हाथ मिला लिया कि जाओ। औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है, निश्चित तौर पर बदनाम है, क्योंकि उसको बदनाम किस आधार पे किया गया? इनको सताया, हिंदुओं को सताया। मैंने तो इतनी कहानी उसकी पढ़ी, सुनी भी, कि भैया वो 10,000 हिंदुओं को मारकर खाना खाता था, कि पर डे 10,000 हिंदू मारता था तब खाना खाता था। पर डे? हाँ भैया, साल में 365 दिन होते हैं, 50 साल उसने शासन किया। सबसे ज्यादा मनसबदार उसके राजपूत, मराठा, सबसे ज्यादा मराठा, राजपूत भी है, सबसे ज्यादा मनसबदार मराठा। मराठा और राजपूत मनसबदारों के सामने वो देश के सारे मंदिर गिरा देगा और ये लोग देखेंगे। भैया जिस मजार पे जाता था उसको सलाम करता था, अगर उधर से सलाम का जवाब नहीं आता तो खुदवा देता था उसको। इस देश के आदमी की आदत है मसाला पैदा करना, कोई कांड हो जाएगा वो मसाला पैदा करेगी। भैया इलाहाबाद पे जो शूट आउट हुआ था तो जो बिडेन ने उसके लिए ऑर्डर दिया था, लो अमेरिका का राष्ट्रपति था भैया। कितनी कहानियां लोग सुनाते हैं,
अरे भाई एक कांड हो गया है, अब सरकार खोज करेगी, सरकारी एजेंसी जांच करेंगे, हो गया हो गया। लेकिन अगर आप एक कांड की चर्चा सुने, इलाहाबाद में अतीक कांड हुआ, तो उसकी अगर आप चर्चा सुने तो हर आदमी ऐसा लाइव टेलीकास्ट आपको बताएगा। हर आदमी, जितने आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करिए, चार आदमी से अतीक कांड के बारे में चर्चा करिए और फिर सुनिए कौन आदमी किस तरह बता रहा है। कोई इन्वॉल्व हो जाए, भैया तड़ातड़ गोली मार रहा था, भैया तड़तड़ आवाज आ रही थी, भैया ऐसा फील करके आपको सुनाएगा, भैया ऐसा हुआ था, भैया वैसा हुआ था, भैया ये हुआ था। आदत है इस देश की, ये इस देश की आदत है इतनी बात को इतना बड़ा के बताना। और लाइव बदनाम तो ये है, नो डाउट कि बदनाम नहीं, बदनाम है, लेकिन बदनाम होने के साथ साथ इसके अंदर समय की समझ नहीं है। पी इज इक्वल टू पी, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। इंटरेस्ट की लड़ाई को इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया, ये इसका गुनाह है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इसके बाद के शासकों को, इसका सबसे बड़ा गुनाह। इंटरेस्ट की लड़ाई जो शाहजहां के काल से शुरू हुई, उसने इसने आइडेंटिटी की लड़ाई बना दिया, और वो इतनी गहरी हो गई कि जाट राज्य की स्थापना हो गई, मराठा राज्य और मजबूत हो गया, सिख राज्य की स्थापना हो गई, धार्मिक उन्माद को बढ़ा दिया इसने, धार्मिक उन्माद को। उद्देश्य कुछ भी रहा हो ठीक है, मथुरा के मंदिर में जाट विद्रोही छिपे हुए थे, कुछ भी रहा हो, तुम तो राजा हो, तुम तो सोच सकते हो कि इस मुद्दे पे मुझे बदनाम किया जा सकता है। लेकिन तुमको लगा कि बवका अच्छा मिल गया, तुम घिरे हुए चार लोगों से, वो कह रहे सरकार इस्लामिक इतिहास के नायक बन जाएंगे आप, इस्लामिक इतिहास के नायक बनने के चक्कर में आपका वंश चला गया। और ऐसा ही नहीं कि इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई, सूफी सरमद, कभी आप दिल्ली जाएं जामा मस्जिद, वहीं पर उनकी मजार है फूलों वाली, सूफी सरमद, इस व्यक्ति को अपने समय की पकड़ नहीं है और इस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस नहीं है और इस व्यक्ति से नफरत नहीं की जा सकती, इस व्यक्ति से सीखा जा सकता है। ये बहुत बड़ा केस है किसी भी विद्यार्थी के लिए, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1556 कुछ भी नहीं है पीछे, अकबर निर्माण करता है, 1656 सब कुछ है पीछे, औरंगजेब विध्वंस करता है। जब भी नायक चुने, जब भी आदर्श चुने, बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि आपका आदर्श आपका भविष्य होता है। भावुकता में नायक ना चुने। अब आपने डॉक्टर अंबेडकर को नायक चुन लिया, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो भी करें, शिक्षा इतना पढ़ें कि अंबेडकर जितना पढ़े हैं कम से कम उसका 20% आप भी पढ़ें। अगर आप अंबेडकर को प्यार करते हैं और अंबेडकर के पास अगर 40 डिग्री है तो 15 आपके पास भी होनी चाहिए, देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। वो आर्थिक संकट और विद्रोह जिसकी नींव रखी शाहजहां ने, मुगल साम्राज्य में छेद किसने किया, शाहजहां ने, उस छेद को गड्ढा बना दिया, किसने, औरंगजेब ने, और उस गड्ढे को झील में परिवर्तित कर दिया बहादुर शाह वन ने, और उसी झील में मुगल साम्राज्य समा गया। यही है शिक्षा का उद्देश्य, समझ का विकास करना। इसी समय इकबाल साहब ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, शिक्षा नहीं सिखाती
आपस में बैर करना, क्योंकि समझ का विकास करेगी। और अगर शिक्षा सिखा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा डरा रही है वो शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा निराश कर रही है वो शिक्षा है ही नहीं। 80% से ज्यादा आज भारत में लोग शिक्षित हैं और उसमें से 70% डिप्रेशन का शिकार है। क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का, क्या फायदा हुआ इस शिक्षा का, जब 80% शिक्षित में 70% डिप्रेशन का शिकार है, तो उस शिक्षा का क्या फायदा हुआ? 70% डिप्रेशन और 60% नशेड़ी, कहीं नहीं खा रहे, कह रहे बुद्धिवर्धक चूर्ण है। कर बुद्धिवर्धक चूर्ण, कर कंसंट्रेशन बढ़ता है खैनी खाने से, दिमाग तेज होता है। तब तो हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी को आइंस्टीन होना चाहिए। दिन में 40 बार खा रहे हो और दिमाग कुंद होता जा रहा है, पैंट पहने हो चारों तरफ से फटा है, कह रहे हो फैशन है। शरीर में जान है ही नहीं, 15 किलो वेट है, हवा चले तो तुम्हारा स्टेट चेंज हो जाए, और तुम कॉम्प्लान खा रहे हो, कह रहे हो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, और तुम बाथरूम में घुसे छिपकली सामने पड़ गई, तुम बेहोश हो गए। तुम कभी सोचते हो इन बातों को? आज के भारत में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था समझ का विकास, उसमें शिक्षा फेल कर गई, और यही आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसलिए जिस दिन भी भारत के महानता की दास्तां शुरू होगी, उसकी पहले पत्थर की भूमिका अदा करेगा शिक्षा में सुधार। आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कहानी जारी है, लेकिन एक पूरा जो ढांचा है औरंगजेब का, उसको आप जरूर पढ़िए, और मेरी मानिए तो काफी खान को पढ़िए। उनके टाइम का सबसे ऑथेंटिक राइटर है काफी खान, उसको जरूर पढ़िए। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत रुचि है उस आदमी के बारे में जानने की, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, आप जयल मेहता को पढ़ लीजिए। आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। औरंगजेब बेसिकली अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हैं जो अपने समय को, अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा 20 साल की उम्र में कहते हैं सर बड़ी चिंता हो रही है, नौकरी कैसे लगेगी, ये कैसे, 20 साल की उम्र में। 50 का आदमी अगर ये बात कहे तो समझ में आता है, 20। सबसे पहले आर्थिक स्थिरता का प्रयास करिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रयास करना चाहिए। आप बाहर जाएंगे, किसी से कहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार आपकी कोई मदद करेगा, वो एक बार जो मदद आपकी करने वाला है, उससे कुछ ऐसी मदद लीजिए कि दोबारा आपको किसी से कुछ ना मांगना पड़े। कुछ स्किल सीख लीजिए। आज की डेट में हर जेब में मोबाइल है, आज की डेट में हर घर में कंप्यूटर है। बीस साल की उम्र में आप ये मत सोचिए पैसा कहां से आएगा, 20 साल की उम्र में आप ये सोचिए कि आर्थिक स्थिरता कैसे बना ले। अगर 20,000 रुपए महीने की आर्थिक स्थिरता बन रही है, इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर लीजिए,
अगर 40,000 रुपए की बन गई है दिल्ली में रह के पढ़ लीजिए, 20 साल की उम्र में सबसे पहला विचार यही होना चाहिए कि मेरे पास आय का सोर्स क्या है। अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, वहां से सोर्स बना लीजिए, कुछ करिए, अपनी परिस्थिति को समझिए। और 22 साल में अगर आर्थिक स्थिति आपकी बनती है तो अगला 8 साल पड़ा है अपने जीवन को संवारने का। रोटी और कपड़ा अगर चुनौती बन जाए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। औरंगजेब से यह सीखना है, अपनी परिस्थिति को समझना है, अपने समय को समझना है, अपनी प्राथमिकता को समझना है। पढ़ना है, पढ़ना तो है ही है, सीखना है, समझना है और उन्नति करना है, यही तो काम है शिक्षा का। औरंगजेब पढ़ाकर क्या फायदा होगा? पहला फायदा, विभिन्नतावादी मुल्क है भारत, मुल्क में किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं हो सकता। व्यक्तिगत स्वभाव को राज्य के नियम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। यही सब तो सीख रहे हो। राजा के लिए ईगो माने नहीं रखता। मारवाड़ का केस, एक इसकी घटना सुनाता हूं। सतनामी विद्रोह 1672, नारनौल, मथुरा से आगे नारनौल एक जगह पड़ती है, वहां पे एक समुदाय रहता था सतनामी। अल्लाह, ईश्वर, गॉड सारा नाम यूज करते थे भगवान के लिए, बड़ा सेकुलर संप्रदाय था वो। बाल सेव करते थे, आग की भौ सेव कर लेते थे, पूरा क्लीन सेव रहते थे, भौ वो सब सेव कर लेते थे। अब आप सोच के देखो, किसी आदमी ने अपना भौ सेव कर रखा है, बाल तो सेव ठीक है, बुद्ध के भी बाल सेव है, क्लीन सेव है, लेकिन भौ, ये आईब्रोज, इसको भी सेव कर लिया। अब किसी मुगल सिपाही की सतनामी पे निगाह पड़ी, उसने हंस दिया, हंसी आ गई तो सतनामी सिपाही ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा। अब जब उसने बोला तो मुगल सिपाही ने उठा के एक डंडा मार दिया सर पे। कितनी छोटी सी घटना है, कितनी सामान्य सी घटना है। लखनऊ के हजरतगंज थाने के एक सिपाही ने किसी को एक तमाचा मार दिया। अब सीओ क्या करेगा? अब भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग पुलिस के खिलाफ बोलने लगे, सीओ क्या करेगा? सीओ आकर उस सिपाही को रिप्रिमेंड करेगा, पहला काम, डांटेगा, फटकारेगा। पब्लिक नहीं मान रही है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गया मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन सतनामी का ये जो मुद्दा था, इस मुद्दे पर औरंगजेब ने खुद एक्शन लिया। जब सतनामी खड़े हुए मुगलों के विरुद्ध, औरंगजेब खुद सतनामी झंडा लेकर आए थे, उसमें मंत्र अंतर लिखा हुआ था, ये भी झंडा लेकर आया था, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, सम्राट हो तुम, सम्राट हो किसी छोटे मोटे राज्य के नहीं, हिंदुस्तान के। कितना छोटा मामला है, सिपाही का मामला। मतलब जो इसके अगल बगल लोग थे वो मान लिए कि शहंशाह डिस्टर्ब है। दक्कन का मामला, बीजापुर, गोलकुंडा, वहां इसके बेटे ने इसको एक राय दी, चालम ने, कि अब्बा हम क्यों लड़े जाके नीचे, हम अपनी ऊर्जा अपना पैसा क्यों बहाएं? औरंगजेब ने कहा, फिर बोले, फिर क्या करना, क्या हम मराठों को फंड करेंगे, यहां से पैसा भेजेंगे, मराठा लड़ेंगे हमारे लिए, और जब मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तब हम मराठा को खत्म कर देंगे और हमारा दक्कन और दक्षिण भारत पर कब्जा। कितनी बढ़िया राय है,
कितनी बढ़िया राय है। बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला वो एक बच्ची की वजह से मिला। निरंजना नदी के किनारे सूखे बैठे हुए हैं, एक बच्ची। सुना बुद्ध ने उसकी बात को, बच्ची की। हसन बसरी बाजार में जा रहे थे, बहुत बड़े संत महात्मा, अल्लाह को ढूंढ रहे थे, अरहत होने का प्रयास कर रहे थे, अपने आप को आलिम समझते थे। एक बच्चा चिराग लिए जा रहा था, उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा ये चिराग आपने जलाया? उसने कहा हां। कहा इसमें रोशनी कहां से आई? उस बच्चे ने कहा एक काम करिए, आप इसको बुझा दिए तो मैं बताऊं। इन्होंने बुझा दिया तो उस बच्चे ने हसन बसरी से कहा कि चचा ये चिराग आपने बुझाया? इन्होंने कहा हां। बोले बताओ कहां गई? तुम बता दोगे कहां कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। हसन बसरी ने लिखा है कि एक बच्चे ने मुझे औकात याद दिला दी। किसी को सर्वज्ञानी नहीं बनना चाहिए। सतनामी, इसका एक कितना बढ़िया राय दिया इसका। उस बेटे को 12 साल जेल में रखा। मारवाड़ और मेवाड़ की जब समस्या चल रही थी, इसका बेटा अकबर, उसने समझाया औरंगजेब को कि अब्बा ये आपके फ्री के शूटर हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने, इनसे काय लड़ रहे हो? वो अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। अकबर अपने पिता से गुस्सा होकर राजपूतों से जाके मिल गया। औरंगजेब को छल का सहारा लेना पड़ा, राजपूत के कैंप में फर्जी चिट्ठियां डालनी पड़ी अकबर के नाम पर कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम राजपूतों से जाके मिल गए, तुम इनको हमारे पास ले आए, हम दोनों बाप बेटे मिलकर राजपूतों को मारेंगे। यह आदमी मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह आदमी ईमानदार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यह आदमी धार्मिक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ईमानदारी, धार्मिकता और मेहनत अच्छी है, लेकिन राजा बनने के लिए योग्यता चाहिए जो चुनौतियों से निपटे, चुनौतियां बढ़ाए नहीं। इस व्यक्ति ने तो सारी चुनौतियां ही बढ़ा दी। वो चुनौतियां पैदा किसने की? शाहजहां ने। इसने क्या किया? चुनौतियां बढ़ा दी। जाट, जाट विद्रोह 1669, गोकुल, क्या बुरा व्यवहार किया गया उसके और उसके परिवार के साथ। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का मामला है, भूमिकर का मामला है, नहीं दे रहे हैं, उसको समझाइए, बात करिए, निगोशिएशन करिए, डायलॉग खोलिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका दक्कन में समस्या बढ़ गई है, शिवाजी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, लेकिन इतना बुरा व्यवहार, उस गोकुल के परिवार को आप आगरा बुलाकर और उसके परिवार के साथ धर्मांतरण, यातनाएं देकर हत्या, वो भी जाट। जो दो ही चीज में विश्वास रखते हैं, शरीर बनाने में, एक युद्ध करने में। गोकुल की घटना ने जाटों को उद्वेलित कर दिया, बहुत बुरी तरह उद्वेलित कर दिया, बुरी तरह। 1685 में राजा राम ने फिर विद्रोह का बिगुल बजा दिया और औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए 1685 औरंगजेब दक्कन में है, दिल्ली में नहीं है, वापस आया भी नहीं। 1685 राजा राम, और औरंगजेब को चढ़ाने के लिए जाटों ने सिकंदरा के मकबरे पे हमला किया, अकबर के मकबरे पे, कबर खोद ली, जो कुछ दो चार हड्डी वड्डी बची थी अकबर की उसको निकाल के ले आके जला दिए कि चढ़ाएंगे तुमको, किसी को टकला कह दो और प्रतिक्रिया कर दे तो वो जिंदगी भर टकला कहा जाएगा। जाटों को पता चल गया
ने कछवाहार शासक बिशन सिंह को मथुरा का बना दिया कि आप मथुरा के फौजदार जाटों को उससे निपटने के लिए राजपूतों को लगा दिया। और राजा राम के बाद चूरामन और बदन सिंह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अराजकता बढ़ी उसका फायदा उठाया और इंडिपेंडेंट भरतपुर राज्य की स्थापना कर दी। औरंग शाहजहां ने समस्या क्रिएट किया, इसने उन सारी समस्याओं को बढ़ा दिया, सिख बढ़ा दिया, जाट बढ़ा दिया, मराठा बढ़ा दिया। उसकी वजह क्या है? ये भावुक हो जाता है, ये धार्मिक हो जाता है, ये मुसलमान बन जाता है। अब चपरासी मुसलमान बन जाए, क्लर्क मुसलमान बन जाए, समझ में आता है राजा राजा अगर हिंदू या मुसलमान बनेगा तो भारत जैसे राज्य में वो कभी सफल नहीं होगा। अगर भारत का राजा ये सोचेगा कि मैं हिंदू हूं और ये अपराधी जो हिंदू हैं ये सब हमारे भाई हैं, ये देश कभी नहीं चलेगा। अपराधी अपराधी हैं, जैसे राजा राजा है, ना वो किसी जाति का है, ना वो किसी धर्म का है, ऐसे अपराधी भी अपराधी है, ना वो किसी जाति का है, ना वो किसी धर्म का है। बैंक का क्लर्क कहे मैं मुसलमान हूं तो क्या फर्क पड़ता है? बैंक का क्लर्क कहे मैं हिंदू हूं तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा हिसाब में घटा बढ़ा दोगे हिंदू मुसलमान होने के नाते? लेकिन शहर का अगर एसएसपी कह दे कि मैं हिंदू हूं, प्रदेश का सीएम अगर कह दे कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, देश का राजा यदि कह दे मैं हिंदू हूं, वो भारत जैसे देश में विभिन्नतावादी मुल्क में धार्मिक नीति ने उन्माद को बढ़ा दिया, राजपूत नीति ने तनाव को बढ़ा दिया। सिखों की नीति ने तनाव के दायरे को बढ़ा दिया, जाटों की नीति ने तनाव का तो घेरा ही बढ़ता चला गया। और फिर अफगान समस्या, रोशनाई मूवमेंट अफगान में, अफगानिस्तान में, एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना करने का सपना, भागु का विद्रोह। अब ये जाट मराठा बुंदेला सिख मराठा, ये तो तुम कह सकते हो कि हिंदू थे इसलिए औरंगजेब से नफरत करते थे, अफगानी, और अफगानिस्तान में एक रोशनाई आंदोलन चल रहा था जिसका उद्देश्य था इथिकल वैल्यूज पर आधारित लाइफ और एक पीर की भूमिका और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो जो विद्रोह की शुरुआत हुई औरंग शाहजहां के काल में, औरंगजेब ने सबका दायरा बढ़ा दिया, सबका दायरा ही बढ़ाया और स्वरूप भी बढ़ाया। शाहजहां के काल में जो विद्रोह है वो इंटरेस्ट को लेकर है। गौर करिए, जो बुंदेला विद्रोह है, जाट विद्रोह है, मराठा विद्रोह, इंटरेस्ट को लेकर है। लेकिन औरंगजेब के काल में जो विद्रोह है वो आइडेंटिटी को लेकर है। ये बहुत बड़ा फर्क है। शाहजहां के काल के जो विद्रोह हैं वो इंटरेस्ट है कि यार तुम उनसे ज्यादा पैसा मांग रहे हो, नहीं देंगे। लेकिन औरंगजेब के काल के जो विद्रोह हैं वो आइडेंटिटी को लेकर है, जाट आइडेंटिटी, सिख आइडेंटिटी, अफगान आइडेंटिटी। और ये मुगल वंश पर बहुत भारी पड़ा क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद ये आइडेंटिटी इतनी मजबूत, सम्राट कमजोर और आइडेंटिटी मजबूत, यही तो हुआ औरंगजेब के मरने के बाद। मुगल सम्राट कमजोर और क्षेत्रीय आइडेंटिटियां मजबूत, तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिखर गया, खत्म। यह समझना है औरंगजेब को पढ़ते वक्त कि वो जो इंटरेस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी वो आइडेंटिटी में परिवर्तित हो गई औरंगजेब की कदमों की वजह से। जाटों ने सोचा ये शासक नहीं है, ये मुसलमान है। वो जो औरंगजेब के दुश्मन थे वो अपने लोगों को भड़काने में सफल हो गए इसकी हरकतों की वजह से। भाई गोकुल ने टैक्स नहीं दिया था, उसको तुम बंद कर देते,
किसी और जाट नेता को वहां का जमींदार बना देते। लेकिन जब तुमने गोकुल को हत्या की, उसके परिवार को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, तब जाटों के बीच मैसेज क्या गया कि ये देखो इस्लाम को प्रमोट कर रहा है, ये गलती कर गया औरंगजेब। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट की लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई बन गई औरंगजेब की नीतियों की वजह से, और वो आइडेंटिटी की लड़ाई इतनी मजबूत होती चली गई कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट कमजोर हुआ तो क्षेत्रीय राजवंश पैदा हो गए। समझिएगा, यही कमी है औरंगजेब की। फिर विद्रोह के साथ साथ दूसरी घटना औरंगजेब के काल की, जागीरदारी संकट। जैसे आज सबको यूपी कैडर चाहिए, पंजाब कैडर चाहिए, महाराष्ट्र कैडर चाहिए, गुजरात कैडर चाहिए, बिहार कैडर में कौन जाएगा, नागालैंड कैडर में कौन जाएगा। औरंगजेब के काल तक पहुंचते पहुंचते मनसबदारों की संख्या बढ़ गई और बड़े मनसबदारों की पेमेंट जागीर के रूप में होती थी और सबको जागीर चाहिए था यूपी बिहार, क्रीम पोस्टिंग, जिसको आज आईएस लॉबी कहती है क्रीम पोस्टिंग। क्रीम पोस्टिंग चाहिए भैया, मलाईदार पोस्टिंग, सबको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए थी। तो जागीरदारी संकट पर काफी खान ने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया, एक अनार सौ बीमार। बस वही मनसबदार और जागीरदार आपसी षड्यंत्रों की को प्रोत्साहन, आपसी षड्यंत्र। अब जिसका दक्कन में जागीर थी, जो वहां पैसा वसूल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अंदर ही अंदर मराठों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा वेतन भिजवा दो, बाकी तुम ऐसी तैसी कट डालो। औरंगजेब जिनकी जागीर मथुरा के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर जाटों से समझौता कर लिया। जिनकी जागीर पंजाब के इलाके में थी, उन्होंने अंदर ही अंदर पंजाबी विद्रोहियों से समझौता कर लिया कि भैया हमारा पैसा भिजवा दो, बाकी तुम जो चाहो करो औरंगजेब के साथ। विद्रोह बढ़ते चले गए, जागीरदारी संकट खड़ा हो गया, आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि इसको खालिसा भूमि में वृद्धि करनी पड़ी। खालिसा भूमि वो भूमि जहां का रेवेन्यू सीधे ट्रेजरी में आता है। जब खालिसा भूमि बढ़ेगी, जागीरदारी भूमि कम हो जाएगी। दीवाने आम दीवाने खास की जो रेलिंग है सोने की लगी थी, उतरवानी पड़ी सब इसको। और दक्कन में तो इसने जो किया, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। अभी तो इसका एक गुनाह मैं आपको सुनाऊंगा। आप भले ही कभी स्कूल नहीं गए होंगे, लेकिन आप औरंगजेब को माफ नहीं करेंगे। आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, कहते घर फूंक के तमाशा देखोगे। दीवाने आम दीवाने खास की जो स्टाइलें थी सोने वोने की, सब निकाल ली गई लड़ाई में। इतना खर्चा, इतना पैसा, ₹1680 इसका बेटा अकबर, जब राजपूतों ने उसका साथ छोड़ दिया, वो भगा दक्कन की तरफ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु, संभाजी गद्दी पर बैठे, शिवाजी के बेटे, और संभाजी ने अकबर को शरण दे दी कि आओ